الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الله تعالى بإنتهاء فضل وكرم عرش حبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم جمع بدن غلامان مصطفى صلى الله عليه وسلم في اجتماع इस साल तरावी का इंतजाम करने की सादत नसीब हुई, जिसका पहला दौर बहुत लोगों भी आज अख्तिताम को पहुंचा। कुरान कलाम इलाही है जो अदल से जारी है और अबद तक जारी रहेगा। तो जब कभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं तो वन्नास पर नहीं रुकते, फिर जो है ना कुरान का आगाज करके रुकते हैं। इसका इशारा आज के हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद यासीन हमीदी साहब मदीना आली ने आज के पहले दौर के इख्तिताम पर किया है, इशारा दिया है। तो इंशाल्लाह दूसरा दहा यानी कल से दूसरा दौर कुरान का हमारे बहुत मौलाना अब्दुल कदीर ताहिर साहब के मकान पर हम अब तक भी ये और बात है कि वो हैदराबाद में है। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला वादी अता फरमाए और फिर से हाजरी हर में शरीफ है नसीब फरमाए। तो उनके फर्जंद के मकान पर माइस के मकान पर इंशाल्लाह कल से दूसरा दहा रहेगा। मैं दोबारा इस वक्त ऐलान कर रहा हूँ कि आमतौर पर पहले दहे में जाना काफी लोगों की शिरकत होती है, दूसरे दहे से फिर जो ना मामला जरा ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो हम दूसरा दहा रखने का मकसद भी यह है कि जो स्पिरिट हमारी उसकी जो उठान है उसको कम होने नहीं देना, उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा मौका शायद ही कहीं और किसी को मिलता होगा कि मुफ्ती ज़ियाउद्दीन क़िबला मौजूद हैं और उनकी इख्तिदा में हमें तरावी की सआदत नसीब हो रही है। ये मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि इन लम्हात को नेमत समझे और हजरत क़िबला को जो है अल्लाह ताला ये नेमत समझे हमारे लिए। वाकई खालिद भाई जो ना बड़ी अच्छी बात बोले थे, यहाँ पर 20 रकात और मैं तकबीरात तो हरमैन शरीफ़ में जो एक मिसाल दी जाती थी कि 20 रकात वहां पर होते हैं, वहां पर भी 10 रकात कर दिए गए।
ये इस नेमत पर के यहाँ पर अपनी सरकार खो रहे हैं, कितना बड़ा अल्लाह का फजल और करम है हम पर और बदन पर। अब ये तमाम चीजें शायद यहाँ पर 10 रकात हो रहे हैं, लेकिन जो 20 रकात के शायकी है गरम गुम्बद खबरा से ही होता है। फिर मैं अक्सर ये बात कहता हूँ इख्तिताम पर कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, तो ये गुम्बद खबरा का ही करम और फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें 20 रकात की सआदत बख्शी है। तो मैं आज जो ना नूर अला नूर का मामला है, तो मैं अपनी गुफ्तगु को इंतहाई इख्तिसार के साथ जो ना बात करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमको जो है ना इस नेमत से इस्तेफादा करना चाहिए, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला मदज़िलुल अली की मौजूदगी से हमें इस्तेफादा करना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए साहब, हम मुख्तलिफ, मुझे इन बुजुर्ग हजरत के सामने एक दो मिनट बोलने की इजाज़त दीजिए, मैं हजरत की इजाज़त से जो है एक दो बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि आप कुरान कानी भी सुने हजरत मुफ्ती साहब मदज़िलुल अली की, और फिर हमें कुरान के बयानात भी हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि आपको ऐसा माहौल, ऐसा मौका कहीं पर मिलता है तो मुझे बताइए कि यहाँ पर ये ऐसा भी इंतजाम है किसी और जगह पर। एक गुज़िश्ता तकरीबन हमारे पास 20 साल से ये नज़्म चल रहा है, तो क्या ये करम नहीं है? तो क्या ये साहब कुरान का सदका नहीं है? क्या ये उनका उनकी नज़र करम हम पर नहीं है? क्या औलिया इज़्ज़ाम की हम पर नज़र करम नहीं है? है, तभी तो जो है ना ये हमको सआदत नसीब हो रही है, वरना जो है ना 10 रकात अल्लाह जाने कल को क्या होगा नहीं मालूम, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बड़ी अजीब व गरीब बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हजरत का जो मामला है ये कोई मामूली मामला नहीं है। उमूमन तखारीज जो होते हैं वो जो है ना आवाज़, अल्फाज और अंदाज पर जो है ना लोगों को गर्विदा किया जाता है, आवाज, अल्फाज, अंदाज। तखरीर का जो उन्वान होता है उसकी इल्मियत पर बहुत कम नजर होती है लोगों की। एक आध इल्मियत का जुमला ले लिया, उसको फिर अल्फाज के गहने पहनाकर जो है ना खुशबुएं महकाते हैं लोग। और हजरत मुफ्ती साहब क़िबला का क्या अंदाज है? ये तो तकरीर का हो गया अंदाज कि जिसके अंदर आवाज भी है, अल्फाज भी है, अंदाज भी है और उन्वान भी है, मगर अहम चीज जो होती है वाज में, नसीहत में, तकरीर में, हजरत क़िबला भी यहाँ तशरीफ फरमाए, वो क्या होती है? अंदाज जो है ना तदरीसी हो और इल्मियत तहकीकी हो, जो हजरत मुफ्ती ज़ियाउद्दीन क़िबला मदीनतुल्लाह अली के पास है। ये चीज़ आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, ये चीज़ कहीं पर नहीं मिलेगी। ये अल्लाह का हम पर बड़ा फजल व करम है। तो हाज़रीन महफिल, मैं आज की इस नूरानी महफिल को आगे बढ़ाते हुए हज़रतुल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी मदीनतुल्लाह अली से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि हाफिज़ हैदर निज़ामी साहब की शाल पोशी फरमाएं। रोज़ाना जो है ना नमाज इशा की इमामत कर रहे हैं, ये बज़्म की ख्वाहिश है कि हज़रत मुफ्ती साहब के दस्त मुबारक से आपकी शाल पोशी की जाए। तो जनाब सैयद महमूद हाशमी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो शाल पेश करें। जी अच्छा, माशाल्लाह, क्या उनवान था साहब पी एच डी का? ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। हज़रात गिरामी क़द्र, आज हमारे लिए एक बहुत ही नादिर मौका और बड़ा मुतबर्रिक मौका हमें नसीब हुआ है, वो हज़रत की मौजूदगी है। ख्वाजा सैयद यासुद्दीन क़िबला जानशीन हज़रतुल अल्लामा शेखुल मशायख सैयद ज़्यादा नशीन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए और हमारी गुजारिश पर, हमारी दावत पर आपने जो है ना हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ पर तशरीफ़ लाए आप। हम बेहद आपके ममनून हैं, आप बावजूद जो है ना अपनी मसरूफियात के हमें वक्त दिए हैं, जिसके लिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं वह आपके ममनून व मशकूर हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं हज़रत ख्वाजा गियासुद्दीन क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब की शायापोशी फरमाएं। हज़रत दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और आबिद भाई और खालिद भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं। हज़रत आप लोग भी जाइए, खालिद भाई तशरीफ। अब मैं इंतहाई अदब और एहतराम से हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी मद्दे ज़िलुल आली से गुजारिश करता हूँ कि वह हज़रत ख्वाजा सैयद गियासुद्दीन क़िबला मद्दे ज़िलुल आली की शायापोशी फरमाएं। हाज़रीन महफ़िल, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत मुफ्ती साहब की तकरीर में जो खसूसियत है कि तकरीर में उमूमन होता क्या है, उसका तज़िया क्या, वो चीज़ में पेश किया, तो ये हमारी खुश नसीबी है, खुशकस्मती है कि हज़रत को सुनने का हमें बार बार बज़्म के ज़रिए अहतमाम मौका मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2007 में जो है ना आपने एक इदारा क़ायम किया, अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर। आपको पता है हम तो बज़ाहिर बोलते कि वे हज़रत ने क़ायम किया है, हज़रत जो क़ायम किए हैं कोई मामूली इदारा क़ायम नहीं किया। आप मुझे बताइए कि हैदराबाद में या हिंदुस्तान के दीगर इलाक़ों में इस्लामिक रिसर्च सेंटर्स कितने हैं, बताइए, नहीं है। उमूमन लोग जो है ना रिवायती अंदाज में ही काम करते हैं, किताबें छापते हैं, लेकिन इस रिसर्च सेंटर की खसूसियत यह है कि मौजूदा ज़माने में जो मसाइल उठ रहे हैं उस पर मुदल्लल काम होता है आपके पास। अब जैसे एक मिसाल देता हूं मैं आपको, डीएनए टेस्ट आया है कि इस्लाम में इसकी इजाज़त है या नहीं, आप किसी और इदारे से या किसी और मुफ्तियान इकराम से जो है ना सुने हैं इसके बारे में, मैं तो नहीं सुना, हो सकता सुने होंगे आप, लेकिन हजरत ने बाज़ाब्ता तहकीक करके एक बाज़ाब्ता किताब छापी है उस पर। तो ऐसे जितने मसाइल आते हैं उस इदारे के तहत, आप देखिए, आप ज़िया इस्लामिक वेबसाइट पर आप विज़िट कीजिएगा हज़रत की, आपको तमाम तर जो है ना मालूमात मिल जाएंगे जो मौजूदा मसाइल हैं। हम परेशान होते हैं कि ये मसला हो गया है कि क्या करना चाहिए, ज़कात के मसाइल हैं, बैंक में डिपॉजिट करने के मसाइल हैं, कई चीज़ें हैं, इंश्योरेंस के मसाइल हैं, हर मसले का जो है ना आप अब यहाँ पर भी आए हुए हैं तो जो है ना दिन रात मसाइल के जवाब और मसाइल को हल करने में लगे हुए रहते हैं। हज़रत थोड़ा आराम कर लीजिए, वो तो हाँ मैं आराम कर रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, फिर जब भी देखें आप कुछ ना कुछ मसले का जो है हल तलाश करने में और जवाब देने में मसरूफ़ रहते हैं। पर मैं एक बात में बिल्कुल बबांगे दोहल ये कहना चाह रहा हूँ कि हज़रत की जो आमद होती है ये और बात है कि बज़्म ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेहमान नवाजी की सआदत नसीब होती है, मगर मकसूद दीगर कुछ नहीं है सिवाय गुंबद खज़रा के। ये आते हैं उसी मोहब्बत में, उसी नस्बत से, मेरे इस लफ्ज़ को आप समझिए, मकसूद दीगर कुछ नहीं है। मैं इसको मज़ीद खोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं
कोई मकसूद नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत की मेहमान नवाजी की सआदत हमें नसीब हो रही है, वरना हजरत का कोई मकसद नहीं है यहाँ पर आने का। हजरत बेहोश का शेर याद आ रहा है मुझे यहाँ पर, मकसद जो है आपके आने का, पहला मिसरा देखिए मकसद और दूसरा भी गौर कर लीजिए, मैं जिस पस मंजर में आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। जुबान मेरी जब जिक्र रसूल करती है, मकसद जो है ना आने का है, जुबान मेरी जब जिक्र रसूल करती है, खराज बंदगी हक से वसूल करती है, खराज बंदगी हक से वसूल करती है। कि अब इसके साथ एक और एक शेर वो भी सुन लीजिए, बड़े मजे का है। किसी के बस में नहीं दिल को आईना करना, किसी के बस में नहीं दिल को आईना करना, ये काम आपके कदमों की धूल करती है, ये काम आपके कदमों की धूल करती है। तो ये वो काम जो है ना हजरत करते हैं, समझे आप। फिर कह रहा हूं कि मैं मकसूद दीगर कुछ नहीं, क्यों इसलिए कह रहा हूं ये बार बार, मैं इस बात को खोलना नहीं चाह रहा हूं कि हजरत की जैसी जैसी तरक्की हो रही है, मैं हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन खिबला की मौजूदगी में आपकी बरकत की वजह से मैं ये बातें कह रहा हूं कि हासिदीन की तादाद बढ़ते जा रही है। क्या हजरत आप भी बखूबी इस चीज से वाकिफ हैं, हासिदीन की तादाद जो है ना बढ़ते जा रही है, लेकिन वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे वाली बात है। इंशाल्लाह आपकी हिफाजत, क्योंकि आपका जो मैंने जैसा अर्ज किया है कि जो 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 मकसद है सिर्फ और सिर्फ रजाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जिनके दिल में ये बात हो उनका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जो जी हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि जो इस्लामिक सेंटर जिस अंदाज से काम कर रहा है, हमें उस वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में मालूम करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर कोई उसके वास्ते चंदे की अपील नहीं कर रहा हूँ, ना हजरत उसके चंदे के वास्ते आए, ये भी खुल के बात आपसे कर रहा हूँ, लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारी आने वाली नस्लों को इस काम से, इस बात से वाकिफ करवाएं, हम हमारे बच्चों को जो है ना ऐसे इदारों से वाबस्ता करें, उसमें दाखिल करें। जामे अनवार अबुल अनवार अबुल हसनात जो काम कर रहा है इस इदारे के तहत, मैं 3 साल पहले गालिबन खालिद भाई भी हमारे साथ थे, हम लोग आबिद भाई भी थे शायद, हम 3 साल पहले जब इदारे में हाजिर हुए थे, तो मैं बैठा, जब सारे तलबा को जो है ना आपने जमा किया था, हर एक की परफॉर्मेंस देख रहे थे हम लोग, तो ऐसा मैंने बैठे बैठे ऐसी गिना में कितने थे बच्चे, तो एक अजीब इत्तेफाक की बात है, 73 बच्चे थे उस वक्त, 3 साल पहले की बात हो रही है, 73 बच्चे थे। तो जब मुझसे कहा गया कि भाई आपको भी कुछ कहना है, तो खैर कहना तो नहीं आता, मैंने कहा कि 73 का फिगर अच्छा है, इसी से बात का आगाज किया जाए। तो वो बरकत जो हुई, हालांकि 2 साल से पैंडेमिक हालात चल रहे हैं, ऑनलाइन जो है ना क्लासेस हो रहे थे, और गुज़िश्ता साल से जो है ना ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए, पता नहीं इन 2-3 सालों में जो है ना तलबा और तालिबात की तादाद 70-90 से जाके 348 हुई, 348 हो गई। इस साल हजरत यहाँ आने से पहले 20 मार्च को जो है ना उसका जलसा रखा गया था, जिसमें तादाद 348 थी, 348 तादाद हो गई है, जिसमें जो है ना हिफ्स के 92 तलबा थे, और नाजिरा कुरान के 214, डिप्लोमा इन अरबिक के 25, और दीगर डिप्लोमा करने वाले जो है ना 17 तलबा तलबा थे। देखें आप, इन 2-3 सालों में बावजूद पैंडेमिक के 348 बच्चों की तादाद बढ़ गई थी वहां पर, अल्लाह करे। और जो दस्तारबंदी और असनाद और खिलतें जो तकसीम हुई हैं, वो 123 तलबा व तालिबात में हुई हैं। हजरत मुफ्ती शेखुल हदीस हजरत खलील अहमद शेखुल जामिया हजरत खलील अहमद क़िबला मदज़ुल अली के दस्त मुबारक से जो है असनाद तकसीम हुई हैं, यानी 123 खिलतें। आप हजरत जानते हैं जो मदारिस से या इन उलूम से जो वाकिफ हैं, कि एक ऐसे इदारे में जो अभी अभी जो है ना शुरू हुआ है, 123 खिलतें और दस्तारबंदी होना, ये कोई मामूली फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ा फिगर है। तो ये अर्ज करने का मकसद मेरे ये है कि अपने बच्चों को ऐसे इदारे से वाबस्ता करें आप, जहाँ पर असरी तालीम का भी इंतज़ाम है और दीनी तालीम का भी इंतज़ाम है। ये मेरा कहने का मकसद था। अब आप नसर में तो जो है ना सरकार की नातें सुनते रहे हैं, लेकिन नज्म में एक नात में जो है ना हज़रत मुफ्ती ज़ियाउद्दीन क़िबला मदज़ुल अली की लिखी हुई नात है, और हमारा ये तरीक़ेकार भी रहा है शुरू दिन से कि रबीउल अव्वल शरीफ में आपकी लिखी हुई नात सरकार की बारगाह में पेश की जाती है, और ख़त्म
में कुरान के दिन जो है ना एक साहिब कुरान की बारगाह में एक नात का नजराना पेश किया जाता है। और ये अजीब बात है कि ये सादत जो है ना मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन को जो है ना नसीब होती है। और मैं गुजारिश करता हूँ मिन्हाज से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना पेश करें। आप नसर में तो हजरत की आपने गुफ्तार सुनी है, लेकिन जरा नज्म में भी आप देखिए कि कैसा अंदाज है और कैसी मोहब्बत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक वाकई एक एक मुफ्ती का जो लिखना होता है एक अलग होता है, एक अदब का जो अदबी शोरा जो लिखते हैं नात उनका एक अंदाज अलग होता है। ये बड़ा आप इसको जरा मुलाहिज़ा कीजिए। صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جس دل میں جاگزی ہو محبت رسول کی جاگزی ہو محبت رسول کی حق میں اسی کے ہوگی حمایت رسول کی حق میں اسی کے ہوگی حمایت تیغ میں نہاں ہے صداقت رسول کے سے عدالت رسول کی فاروق سے آیا ہے عدالت رسول کی عثمان سے ہوئے سخاوت رسول کی عثمان سے ہوئے سخاوت رسول کی مولا علی سے داد شجاعت رسول کی مولا علی سے داد شجاعت رسول کی مولا علی بطول حسن اور حسین سے مولا علی بطول حسن اور حسین سے ملتی ہے دو جہاں کو ہدایت رسول کی ملتی ہے دو جہاں کو ہدایت رسول کی محبوب حق وہی ہے وہی فائز المرام محبوب حق وہی ہے وہی فائز المرام کی
صدق دل سے جس نے اطاعت رسول کی صدق دل سے جس نے اطاعت رسول کی بے مثل و بے نظیر ہے سردار انبیاء بے مثل و بے نظیر ہے سردار انبیاء رشک مئو نجوم ہے صورت رسول کی رشک مئو نجوم ہے صورت رسول کی قبلہ ادھر نگاہ جدھر آپ کی اٹھی قبلہ ادھر نگاہ جدھر آپ کی اٹھی رب کی وہی رضا ہے جو چاہت رسول کی رب کی وہی رضا ہے جو چاہت رسول کی الفاظ میں چھپا ہے معانی کا ایک جہاں الفاظ میں چھپا ہے معانی کا ایک جہاں ہے جامع الکلام بلاغت رسول کی ہے جامع الکلام بلاغت رسول کی الفاظ میں چھپی کا ایک جہاں ہے جامع کلام کی بحر سلام آ کے فرشتے بھی صبح و شام بحر سلام آ کے فرشتے بھی صبح و شام طیبہ نگر میں کرتے ہیں مدحت رسول کی طیبہ نگر میں کرتے ہیں مدحت رسول کی تانی نہیں ہے ان کا کوئی انبیاء کے بعد ثانی نہیں ہے ان کا کوئی انبیاء کے بعد جن کو نصیب ہو گئی صحبت رسول کی جن کو نصیب ہو گئی صحبت رسول کی دامن تو محل بیت کا تھامے رہو صدا دامن تو محل بیت کا تھامے رہو صدا یہ کشتی یہ نجات ہے عطرت رسول کی یہ کشتی یہ نجات ہے عطرت رسول کی ہر نیک کو
उबद के वास्ते काफी है हश्र में हर नेक उबद के वास्ते काफी है हश्र में रहमत खुदा की और शफाअत रसूल की रहमत खुदा की और शफाअत रसूल की दारैन में जिया का मुकद्दर हो ए खुदा दारैन में जिया का मुकद्दर हो ए खुदा दारैन में जिया का मुकद्दर हो ए खुदा अल्लाह की रजा व इनायत रसूल की अल्लाह की रजा व इनायत रसूल की दारैन में जिया मुकद्दर हो ए खुदा दारैन में जिया का मुकद्दर हो ए जिया अल्लाह की रजा व इनायत रसूल की अल्लाह की रजा रसूल की जिस दिल में जागुजी हो मोहब्बत रसूल की हक में उसी के होगी हिमायत रसूल की हाजरीन महफिल मोहम्मद मिनहाजुद्दीन इसबाह नजर नात पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ये नात हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी मदज़हरुल अली की लिखी हुई थी। अब आज की इस नूरानी महफिल को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा एक फरीज़ा है कि मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करूँ जो बावजूद अपनी मसरूफियात के यहाँ पर कमोबीश रोज़ाना 3 से 4 घंटे दे रहे थे। और यकीन जानिए कि ये 3-4 घंटे तो बहुत बड़ा असासा है, चंद लम्हात भी जिक्र रसूल में अगर गुजर जाएं और कबूल हो जाएं तो हमारी नजात का जरिया बन सकते हैं। तो मैं आप तमाम हजरात का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दूसरे दहे में भी इसी जज्बे के साथ आप हजरात तरावी में शिरकत करेंगे। और ये BGM की एक किड्स फोर्स है, इन्होंने जो बल्कि ये जो रोज़ाना की महाफिल थी इसकी रौनक बने हुए थे। ये बच्चे हमारे आसिफ साहब के बच्चे हैं, हमारे तौसीफ के बच्चे हैं, शुएब साहब के बच्चे हैं, शहजाद साहब के बच्चे हैं। रोज़ाना माशाल्लाह इन महफिलों में जिस अंदाज से खिदमत अंजाम दे रहे थे, दरअसल बज़्म का मकसद भी यही है कि इस किस्म का माहौल इन बच्चों को प्रोवाइड किया जाए ताकि इनका मुस्तकबल जो है ना रोशन हो सके। हाजिरीन महफिल, अगर मैं ये क्या कहना चाहिए साहिब खाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ये और बात है कि जो है ना ये मेरा बज़्म में जो खिदमत का जो मनसब है ये शुक्रिया अदा करने का है। तो मैं जैसा कि मुफ्ती साहब ने कल ही ये बात कही थी उसी हवाले से कह रहा हूँ कि अगर खातून खाना का शुक्रिया अदा ना किया जाए तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं बज़्म की जानिब से। और घर के तमाम
बच्चियों का और मिनहाज का कि जिन्होंने यानी हत्तल मकदूर कोशिश ये की कि महफिलों को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए। ये और बात है कि जनाब बावजूद कोशिश के कभी पानी जो कि ठंडा मिलना चाहिए गर्म मिला, चाय जो कि गर्म मिलनी चाहिए ठंडी मिली, ये और बात है, लेकिन इसको आपने बखूबी कबूल किया, ये बड़ी अच्छी बात है। शुक्रिया आप हजरात का। और मैं इंतहाई अदब और एहतराम से हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी मदरसा ज़िलुल आली को दावत देता हूँ कि वो अपने नूरानी खिताब से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाए, बल्कि हजरत की ही इसी नात के मख्ते से मैं जो है ना दावत खिताब देना चाहूँगा। दुआ अल्लाह ताला हम सब की दुआ को जो है ना कबूल फरमाए। दारैन में ज़िया का मुकद्दर हो ए खुदा, दारैन में ज़िया का मुकद्दर हो ए खुदा, अल्लाह की रज़ा व इनायत रसूल की, अल्लाह की रज़ा व इनायत रसूल की। हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी सदर मुफ्ती व शेखुल फ़िक़्ह जामे निज़ामिया बानी व मुहतमिम अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर जामे अनवार अबुल हसनात। أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم تقدس مآب حضرت علامہ مولانا خواجہ سید شاہ غیاث الدین چشتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جانشین حضرت شیخ المشائخ سید شاہ سہولت حسین قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوان جی بارگاہ سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز بزرگان محترم ذمہ داران بزم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکرم حاضرین معزز سامعین تقدس میں آپ ماؤ اور بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر بجا لاتے ہیں اس نے ہمیں اس مبارک
اور متبرک مہینے میں اپنے پاکیزہ کلام پاک کو مکمل طور پر ابتدائی عشرے میں نماز تراویح کے اندر پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے اور آپ حضرات کو سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی پر ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی توفیق پر اس کے حضور ہماری جبینیں تشکر کے جذبات سے لبریز کیفیتوں کے ساتھ خم ہیں، ہمارے دل اس کی عظمت و جلالت سے معمور ہیں۔ اس پاک پروردگار کی بے انتہا مہربانی ہے کہ اس کا جلالت والا عظمت والا کلام بحمدہ تعالی بآسانی پڑھنے کی سعادت اس نے بخشی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا پرجلال کلام ہے جس کی جلالت حیبت عظمت کے بالمقابل آسمان اور زمین اور پہاڑ اور کائنات کی کوئی بھی شے تحمل کرنے کی استطاعت اور سکت نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے حق تعالی نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو آپ ملاحظہ فرماتے اس کو کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، پارا پارا ہو جاتا۔ تو پہاڑ جس کی جلالت کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ عظمت والا کلام جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بلا شبہ اے حبیب ہم آپ پر ایک بھاری وزنی کلام کو نازل فرما رہے ہیں، تو ایسا عظیم کلام کے پہاڑ جس کو برداشت نہ کر سکے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، بلا شبہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش فرمایا کہ کیا تم اس بوجھ کو اٹھانے کے درپے ہو، کیا تم اس عظیم امانت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو؟ تو قرآن خود کہتا ہے فابین ان یحملنها، آسمانوں نے کہا یہ ہم اٹھانے سے قاصر ہیں، زمین نے کہا ہم عاجز ہیں، پہاڑوں نے کہا ہم بے بس ہیں۔ تو آسمان بھی بوجھ نہ اٹھا سکے، زمین بھی بوجھ نہ اٹھا سکے، حالانکہ زمین کتنا بوجھ اٹھا رہی ہے آپ بولیے، جب سے اللہ نے زمین کو بنایا زمین کے اوپر انسان بھی بستے ہیں، جانور بھی رہتے ہیں، اور کتنا وزن اس کے اوپر ہے، مگر زمین شخ بھی نہیں ہوتی، سارے وزن کو برداشت کر رہی ہے۔ تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے لوگ پیدا ہوئے، اور زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، دفینے ہیں، خزائن ہیں، یہ سارا بوجھ زمین اٹھا رہی ہے، اور بے شمار وزنی چیزیں آپ سواریوں پر لے کر جاتے ہیں، لیکن زمین کا سینہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، وہ سارے وزن کو برداشت کر رہا ہے۔ کشتیاں بھی اسی میں چل رہی ہیں، جہاز بھی اسی میں چل رہے ہیں، اور ساری کی ساری سواریاں اس میں چل رہی ہیں، اور فضائے بسیط میں جو بلند پروازیاں کرنے والے جہاز ہیں وہ تو بلند پروازیاں کرتے ہیں، مگر وہ بھی کسی ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ کو جاتے ہیں، تو اس کا بھی بوجھ زمین اٹھا رہی ہے، تحمل کر رہی ہے، مگر کیا بات ہے بھائی کہ 30 پاروں پر مشتمل کمال کا کلام، جس مصحف کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سائز کے اعتبار سے بڑا بھی ہے، درمیانی بھی ہے، پاکٹ سائز میں بھی قرآن مجید موجود ہے، حتیٰ کہ موبائل میں بھی اس کلام پاک کو آپ محفوظ کر رہے ہیں، چاہے آپ دیکھ کر پڑھیں چاہے سن کر استفادہ کریں موجود ہے، لیکن یہ مبارک کلام کو زمین اٹھانے کے در پہ نہیں، آسمان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، پہاڑ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم اگر پہاڑ پر اتارتے میرے مصطفیٰ تو آپ دیکھتے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، حالانکہ پہاڑوں کی بلندی کا کیا عالم ہے، جب سے رب نے پہاڑوں کو بلند قامت بنایا ہے وہ اپنی بلندی کی وجہ سے دنیا کو اللہ کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر اللہ کی معرفت کا سبق دے رہے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ بلند قامت پہاڑ جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی اس عظیم بوجھ کو اٹھانے کی ہمت اپنے اندر نہیں رکھتے، پھر کیسے آپ ہم اس مبارک کلام کو یاد کرتے ہیں؟ تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے، پورا قرآن کسی کو یاد ہو رہا ہے، جزوی طور پر چند صورتیں کسی کو یاد ہو رہی ہے، چند آیتیں یاد ہو رہی ہے، ایک ضعیف البنیان انسان پہاڑ سے بڑا تو طاقتور نہیں ہے نا، آسمان سے بڑھ کر تو قداور نہیں ہے نا، لیکن یہ کیسے اس کو یاد کر رہا ہے، کیسے یہ اس کو پڑھ رہا ہے، حالانکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے
पहाड़ जिसके बोझ को उठा ना सके, आसमान बोझ ना उठा सके, जमीन बोझ ना उठा सके, ये कैसे उठाया है इंसान? कुरान कहता है कि इसके पीछे एक ही राज है। इस कुरान को रब तबारक व तआला ने मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम के हवाले किसी किताबी शक्ल में नहीं किया है, बल्कि कल्ब मुस्तफा पर नाजिल फरमाया है। कुरान कह रहा है काफ वल कुरानिल मजीद, मुस्तफा आपके पाकीजा कल्ब की कुव्वत की कसम है और कुरान आपके कल्ब पर मैंने नाजिल फरमाया। मेरे प्यारे, ये कलाम आपके कल्ब अकदस पर मैंने बराह रास्त बवास्ते जिब्राइल नाजिल फरमाया। मेरे मुस्तफा, आपके कल्ब की कुव्वत इतनी अजीम है कि आपके कल्ब ने इसको अपने अंदर महफूज फरमा लिया। मेरे हबीब, इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, मुस्तफा कुरान आपसे हम पढ़वाएंगे भी, आपके सीने में महफूज करवाएंगे भी, हमने अपने जिम्मे करम में लिया। मेरे प्यारे, तो इस मुबारक कलाम को रब ने हबीब के कल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया और कल्ब अकदस को अल्लाह ने वो वुसअत दी है कि आसमान और जमीन की बेकरानी भी अपनी वुसअत के बावजूद कल्ब मुस्तफा की वुसअत के सामने आजीज़ो बेबसो दरमादा है। अल्लाह ने हबीब के कल्ब को वो कुव्वत बख्शी, इसीलिए रब ने फरमाया मेरे महबूब हमने अपना कलाम आपके कल्ब पर नाजिल फरमाया। कहाँ? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन आला कल्बिक, जिब्रील कलाम लेकर आए मुस्तफ़ा, लेकिन वो आपके कल्ब अकदस पर नाजिल हुआ। मेरे हबीब, तो कल्ब अकदस को हमने वही इलाही का महबित बनाया है, महबित वही इलाही मुस्तफ़ा का सीना बनाया गया। और कैसा अजीम सीना है? हजरत मूसा से पूछो, रब की बारगाह में वो अर्ज करते, रब्बी शरहली सदरी, ए मेरे परवरदिगार मेरे लिए सीने को तू खोल दे, क्योंकि मैं हक का परचम बुलंद करने के लिए एक बड़े फिरौन के सामने जा रहा हूँ। और जाहिर है कि दबदबे वाले के सामने जाकर हक का परचम बुलंद करना बड़े हौसले की बात है, और उसके लिए तेरी बारगाह की तौफीक चाहिए। मेरे मौला, मेरे इस सीने को कुशादा कर दे, सीने में जो दिल तूने दिया है अनवार से भर दे मेरे मौला, ताकि मैं घबरा ना जाऊं, ताकि मैं उसके सामने खौफ न खा जाऊं, उसके जाहो जलाल को देखकर, उसके लश्कर और सिपाह को देखकर, उसकी ताकत और तवानाई को देखकर मैं घबरा ना जाऊं। मेरे मौला, मेरे सीने को खोल दे, सीने को मेरे अपने अनवार से भर दे मेरे मौला, अपने कलाम की अजमत से मेरे सीने को मामूर फरमा दे मेरे मौला। रब्बि इशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी, मेरे लिए मेरे मामले को आसान कर दे मेरे मौला। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरे अल्लाह मेरी जबान की गिरह को खोल दे, बोलूं तो कहीं रुकावट ना आए, हिचकिचाहट ना हो मेरे मौला, कहीं घबराहट ना आए मेरे मौला, जबान कहीं मेरी खता ना कर जाए मेरे मौला, सीना भी खोल दे, इल्म से भर दे, जब बोलूं तो मेरे मौला जबान मेरी कहीं फिसल ना जाए। जबान की भी हिफाजत फरमाना, दिल की भी हिफाजत फरमाना। और हजरत मूसा ये भी अर्ज कर रहे हैं, मेरे मौला इसके साथ एक और गुजारिश भी है, वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली, मेरा एक मददगार मेरे घर वालों में से बना दे, हारून अख़्शदुद बिही अज़री, मेरे भाई हारून को मेरे साथ मददगार बना दे, मेरे बाजू को मजबूत कर दे, मेरी तवानाई को उसके जरिए से बढ़ा दे, ताकि कुव्वत के साथ एक अच्छे मेरे वजीर मददगार को लेकर मैं जा सकूं। मेरे मौला, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया हजरत मूसा ने, अल्लाह ने फरमाया क़ाल क़द ऊती तसूलक या मूसा, ठीक है मूसा तुम्हारी दरख्वास्त कबूल कर ली गई, तुम्हारा सीना खोल दिया गया, तुम्हारे मामले को आसान कर दिया गया, जबान की गिरा खोल दी गई, मददगार तुम्हारे लिए बना दिया गया। ये रब तबारक व तआला का कलाम है। इसी कलाम में रब तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा को खिताब किया, फसदा बिमा तुमर, मेरे मुस्तफ़ा आपको पैगाम हक जो मैंने दिया बरमाला ऐलान फरमाइए, खुले तौर पर ऐलान कीजिए, डंके की चोट पर ऐलान कीजिए। और आप एक मखसूस कौम के लिए नहीं भेजे गए हो मेरे मुस्तफ़ा, तबारक अल्लज़ी नज़ला अल-फुरक़ान अला अब्दिही लियकुन लिल-आलमीन नज़ीरा, बरकतों वाला है वो अल्लाह जिसने हक व बातिल में फर्क करने वाले कलाम फुरकान को मुस्तफ़ा के कल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया, ताकि मुस्तफ़ा सारे आलमों को डराए। हबीब, आप एक आध कौम के लिए नहीं भेजे गए हो, आप अहले मक्का के लिए नहीं भेजे गए हो, फकत लिल आलमीन, पूरे आलमों के लिए भेजे गए हो मेरे मुस्तफ़ा। आपकी दावत महदूद जमाने के लिए नहीं है, मखसूस कौम के लिए नहीं है, जमाने की कैद बंदियों में नहीं है मुस्तफ़ा, कौम के अफराद के अंदर महदूद नहीं है मेरे मुस्तफ़ा। हर जमाना आप ही का जमाना है, हर जहां आप ही का जहां है, हर जगह आपका बोलबाला होगा, हर जगह आपका परसम लहरा रहा होगा मेरे मुस्तफ़ा। लिहाजा सारे के सारे दुनिया को आप मुखातब बनाइए। एक इंसान को सोचना चाहिए कि जिस रसूल पाक को अल्लाह हक के परचम बुलंद करने के लिए फरमा रहा है, उस हबीब की दावत का मुखातब कौन है? अबू जहल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है, अबू लहब भी है, सनादीद कुरैश भी है, हिरक्ल बादशाह भी है, रोम के आयान भी है, शाम के अरबाब इख्तदार भी है,
और क़ियामत तक आने वाले रूए ज़मीन पर जितने जबाबीरा होंगे, जितने फ़राइना होंगे, जितने बादशाह होंगे, जितने सलातीन होंगे, जिस किस्म के होंगे, वो सब मुस्तफ़ा की दावत के मुखातब हैं और इन सब तक मुस्तफ़ा की दावत पहुँचनी है। रब ने फरमा परवला मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कीजिए, कहीं मुस्तफ़ा की ज़बान से ये दुआ हमने सुनी है, रब से ये अर्ज़ किया हो कि मेरे मौला मेरे सीने को खोल दे, मेरे मौला ज़बान की गिरह को खोल दे, या अल्लाह मैं किसी मखसूस कौम के लिए नहीं अबदियत के लिए भेजा जा रहा हूँ मेरे मौला। रब की बारगाह में हबीब का ये अर्ज करना नहीं मालूम, हाँ ये मालूम रब ये खुद फरमा रहा है अलम नशरह लका सदरक, ए मेरे मुस्तफ़ा मेरे हबीब क्या हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया है, ए मेरे मुस्तफ़ा क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं फरमा दिया है, ववदअना अनका विज़रक, ए मुस्तफ़ा क्या हमने आपसे आपके बोझ को हल्का नहीं कर दिया है, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, ये नबुव्वत का बोझ मेरे मुस्तफ़ा, ये दावत का बोझ मेरे हबीब इतना भारी था कि जिसकी वजन और जिसकी सिकल की कैफियत का ये है किसी इंसान की कमर उठा ना सके, ए मेरे मुस्तफ़ा जो जान तोड़ बोझ था हमने आपका हल्का कर दिया है, ववदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حَبِيبَ, हमने आपके जिक्र को चार दांगे आलम में बुलंद बाला कर दिया है मुस्तफ़ा, और ये सब कुछ आपकी खातिर किया है, सीना हमने खोला है दीन की खातिर, हम समझ रहे होंगे अल्लाह फरमारा अलम नशराह ली दीनिक, नहीं अलम नशराह लका सदरक, मुस्तफ़ा सीना आपका हमने खोला आप ही की खातिर खोला है, हमने आपको आपकी खातिर आपके सीने को हमने खोल दिया, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ, हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया मुस्तफ़ा, आपकी खातिर ये बुलंदियां हैं हबीब, आपकी खातिर ये रिफाते हैं मुस्तफ़ा, आपकी खातिर ये वसाते हैं हबीब, सीने अकदस को हमने इतना कुशादा कर दिया मेरे मुस्तफ़ा कि आपका कल्ब कभी तंग होगा ही नहीं हबीब, किसी का रोब आपको कभी मुतासिर करेगा ही नहीं, दुनिया आपको शेब अभी तालीब में महसूर करेगी मुस्तफ़ा, गिजाई अजनास पर पाबंदी लगा देगी मेरे हबीब, आपके मुकदस कदमों को लहू लुहान भी कर देगी मुस्तफ़ा, आपके चेहरे अनवर को जख्मी भी करेगी, हत्ता के दंदान अकदस को शहीद भी करेगी मेरे हबीब, लेकिन ये सारी की सारी सूरतें देखते हुए कभी आपका दिल तंग नहीं होगा मेरे हबीब, बल्कि आप हमेशा इस उम्मत की सलाह व फलाह के लिए फिक्रमंद रहोगे, हत्ता के रब ये कहेगा फलाअल्लक बाकी नफ्सक, हबीब इतना गम क्यों उठाते हो, आप अपनी जान को इनके गम में क्यों आप मुतासिर कर रहे हो मेरे मुस्तफ़ा, रब को ये कहना पड़ेगा हबीब इतना भी बोझ ना लीजिएगा, आप इबादत के शौक में इतनी मेहनत करेंगे, रब खुद फरमाएगा ताहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का, ए तय्यिब व ताहिर मुस्तफ़ा, ए हिदायत के पहकर मेरे हबीब, हमने कुरान इसलिए तो नहीं नाजिल किया है कि आप मशक्क़तों में पड़ जाएं मुस्तफ़ा, ये तो नसीहत के लिए है, ये तो याद दहानी के लिए है, ये तो हक की तरफ लोगों को बुलाने के लिए है, इतना बार आप अपने कल्ब पर क्यों लेते हो मुस्तफ़ा, इतना रंज और गम कौम का उठाते क्यों हो मेरे महबूब, जरा अपने ऊपर से बोझ हल्का कीजिए हबीब, ये लोग अगर आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं मुस्तफ़ा तो आप इनको मेरे हवाले कर दीजिए, इन झुटलाने वालों को मैं देख लूंगा मेरे मुस्तफ़ा, मेरी खातिर इस कदर आप सदमे उठा रहे हैं मेरे हबीब, ये रब की तरफ से तसल्ली है, ये रब की तरफ से हबीब पाक को दिलासा है, ये रब की तरफ से हबीब पाक के लिए तस्बीत कल्ब का इंतजाम है, अल्लाह फरमा रहा है साबिक़ नबियों के किस्से कुरान में सुना सुना कर, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ए मेरे हबीब हम अंबिया के किस्से आपको सुना रहे हैं, साबिका पैगंबरों को उनकी कौमों ने क्या क्या सताया था और उन्होंने किस तरह से उन्हें जवाब दिया था, हबीबी इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपके कल्ब को करार आए मेरे मुस्तफ़ा, आपके कल्ब इतना रंजीदा भी ना हो मेरे महबूब, अजियतें और भी लोगों को दी गई थी, हक की तरफ जो लोग बुलाए उनको कौमों ने सताया भी था, हत्ता के नबियों को शहीद भी किया था कौमों ने, ऐसी नालायक कौम दुनिया के अंदर रही मेरे हबीब, लिहाजा इनकी इज़ा रसानी पर मेरे हबीब आप कोई ज्यादा फिक्र न करें, قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون, हम जानते हैं हबीब ये जो बोल रहे हैं इससे आपको रंज हो रहा है कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं महबूब, आपकी तरफ ये नहीं आ रहे हैं बुलाने के बावजूद, हम रब हैं आपके जानते हैं मुस्तफ़ा कि आपके कल्ब अक़दस को जो रंज पहुंच रहा है, मगर महबूब हम आपको इस बात का इत्मीनान दिलाते हैं, فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون, ये लोग आपको नहीं झुटला रहे हैं मेरे प्यारे, ये हकीकत में अल्लाह की आयतों को झुटला रहे, यानी कुरान का इनकार हो रहा है ए मुस्तफ़ा आपका नहीं, मेरे कलाम का इनकार हो रहा है मेरे महबूब आपकी ज़ात का नहीं, यूँ अल्लाह ने तसल्ली हबीब को दी। अब मैं आपसे जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ इस गुफ्तगू के अंदर वो ये है
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شرح صدر کے لیے دعا مانگی تھی اور حبیب پاک علیہ السلام کی دعا سے پہلے ہی رب نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے اقدس کو کشادہ فرما دیا، آپ کے بوجھ کو ہم نے اتار دیا، اب حبیب پاک علیہ السلام کے مبارک سینے میں اللہ نے جو وسعت بخشی ہے وہ قلب اقدس پر قرآن اتارا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل تو رخصت ہو گئے، قرآن جب لائے تھے تو جبریل علیہ السلام حبیب پاک علیہ السلام کے پاس حضور غار حرا میں تشریف فرما تھے، عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، ذکر میں، خلوت میں حضرت جبریل قرآن کی پانچ آیات سورۃ العلق کی ابتدائی پیش کیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنائے، حبیب پاک علیہ السلام ان آیات کے بگینات کو لے کر جب آئے تو حالت یہ تھی کہ وحی الہی کی کیفیات کی وجہ سے حضور کے قلب اقدس پر عجیب تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، بدن اقدس پر عجیب انوار کا ظہور ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام جیسے ہی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ارشاد فرمائے دثیرونی دثیرونی زمیلونی زمیلونی، کہ ہاں تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی انہا سے ارشاد فرمائے زمیلونی زمیلونی کہ مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ، تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں چادر پیش کی، یہ وحی الہی کا نزول ہوا. اب اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر بندوں کو سنایا. اب قرآن کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا آسانی سے ہم یاد جو کر رہے ہیں، آسانی سے ہم پڑھ رہے ہیں، آسانی سے آپ سن رہے ہیں، نہ آپ کا سینہ شک ہو رہا ہے نہ ہمارا سینہ شک ہو رہا ہے، نہ اس کلام پاک کے سننے سے آپ کے دل پھٹ رہے ہیں نہ ہمارا دل پھٹ رہا ہے، حالانکہ کلام ایسا ہے کہ پہاڑ پھٹ جائیں گے، کلام ایسا ہے کہ آسمان زمین اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، یہ کیسا ہو گیا بھائی؟ اب اللہ سے پوچھو میرے مولا جب تو یہ فرمایا کہ پہاڑ بوجھ اٹھا نہیں سکتے، آسمان زمین نہیں اٹھا سکتے، تو ہم پہاڑ سے بڑھ کے پاورفل ہے کیا؟ اگر ہم پہاڑ کے سامنے جا کر اپنی طاقت بتائیں تو پہاڑ ہمیں ریزا ریزا کر دیتے، اگر ہے تو ہم تنہا ذرا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیں کیا حال ہوتا ہمارا، تو پہاڑ سے بڑھ کے ہم طاقتور نہیں، ایک معمولی درندہ ہم کو اگر پیچھے لگایا تو ہم بھاگنے لگ جاتے، تو ہم کتنے انسان میں طاقت ہے، ظاہری اعتبار سے ہم کمزور بھی تو ہے نا، پھر کیسے ہم اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا بندے اس میں جو تجھ کو اٹھانے کی صلاحیت مل گئی ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے، کلام تو بھاری ہے تو نہیں اٹھا سکتا تھا، ہم نے آسان کیوں کیا؟ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کیا مصطفیٰ کی زبان کی وجہ سے. تجھے قرآن کتابی شکل میں نہیں ملا، تجھے قرآن کسی نسخے کی شکل میں نہیں ملا، قرآن ملا مصطفیٰ کی زبان کی برکت سے، حبیب پاک آ کر سنانے لگے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کہتا ہے ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے ناجاننے والوں میں ایک عظیم رسول کو بھیجا جو کیا کرتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے کلام کی آیتیں بندوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو زبان اقدس حضور کی کیا بن گئی؟ وسیلہ بن گئی. اب جب حضور پڑھنے لگ گئے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، کیوں آسان کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا اور آپ پڑھیں اور اس کو میں مشکل بنا دوں، آپ کی زبان وسیلہ بن گئی میرے محبوب، اب اگر میں اس کو مشکل کر دوں گا تو لوگ کہیں گے وسیلہ رسول کے بعد بھی مشکل ہوتی کیا، مصطفیٰ جب وسیلہ بنے تو آسانی ہونا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قرآن میں دو مرتبہ پہلے ہی فرما دیا کہ قرآن کی آسانی کا سبب کیا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ ہے 25ویں پارے میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، یہ ہے 16ویں پارے میں، سورہ مریم میں بھی فرمایا، سورہ دخان میں بھی فرمایا، ایک ہی بات دو جگہ فرمائی اللہ نے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا حبیب آپ کی زبان کی برکت سے، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا محبوب آپ کی زبان کی برکت سے، تو اللہ کی حبیب کی زبان کا فیض ہے کہ قرآن اب پڑھا جا رہا ہے، قرآن اب یاد کیا جا رہا ہے، قرآن اب سمجھا جا رہا ہے، اگر یہ وسیلہ نہیں ہوتا تو پہاڑ جب نہیں اٹھا سکے تو ہمارا بھی حال کیا ہوتا، نہیں اٹھا سکتے تھے ہم، پڑھ نہیں سکتے تھے ہم، اور عقل کے حساب سے سوچے تو آج بھی سمجھ میں نہیں آتا قرآن ہم کیسے پڑھ سکتے، اتنے کلام پاک کے اندر اللہ نے اسرار رموز رکھے ہیں، اور ملے جلے کلمات ایسے ہیں کہ اگر اس جیسا کوئی عربی کا جملہ کسی کو ایسے کوئی کلمات جو ترکیبی اعتبار سے اس کے مشابہ ہوں، ایک کی مضمون الفاظ کے فرق کے ساتھ اس کو کہا گیا ہو، اگر کسی کے حافظے کا امتحان ہو تو رٹا کے دیکھو آپ اس کو، پھر اس کے بعد دوبارہ سنو آگے پیچھے ہو جاتا، اب لوگ کہتے ہیں حافظہ بہت اچھا ہے سمجھتے، نہیں نہیں حافظہ اچھا نہیں ہے صاحب، کمال حافظہ کا نہیں ہے، کلام قرآن کا ہے، کمال قرآن کا ہے،
قرآن کم حافظے والے کو بھی اگر یاد دلا دو تو اس کے حافظے کو خبی کر دیتا ہے, ورنہ اگر حافظے کا امتحان لینا ہے تو اخبار یاد دلاؤ کسی کو, بھائی آپ ایک اخبار یاد کر لو, ہم آپ کا بعد میں ٹیسٹ لیتے امتحان لیتے, کیا مشکل ہوتی ہے آپ دیکھیں گے. لیکن یہ ایسا کلام پاک ہے, سمجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیسا یاد ہوتا ہوں گا, سمجھے مطلب قرآن کے مفہوم سمجھنے کی بات نہیں بولوں, یاد کیسا ہوتا ہے, انسان پڑھ کیسا سکتا, اور پھر اتنے خیالات کا ایک ہجوم بھی رہتا, ایک سوئی بھی نہیں رہتی, کیسا پڑھتا ہوں گا وہ بچہ قرآن شریف, کیسا یاد کر کے سناتا ہوں. اگر عقل کے اعتبار سے سوچو تو حل مسئلہ نہیں ہوتا, صرف فضل الہی سمجھ میں آیا تو سمجھ میں آتی بات کیا, مولا تیرا فضل ہے. اس لیے قرآن کو اللہ نے اپنے حبیب کا زندہ معجزہ بنا دیا, اور نبیوں کو بھی معجزے اللہ نے دیے, لیکن آج آنکھوں سے وہ معجزے ہمیں نظر نہیں آتے. حضور پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے قرآن ایسا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے, اور اس کے اندر ایک ایک کلمہ کے اندر گہرائی, معنی کے اندر گہرائی. قرآن کس کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ قرآن کے جیسے کلمات عربی میں ہونے کے باوجود نہیں لائے جا سکتے, کوشش کرنے والے بہت کوشش کی ہر زمانے میں مگر نہیں لا سکتے. جملہ دیکھے تو معنی نہیں فٹ ہو رہا, اگر معنی لانے کی کوشش کرے تو الفاظ کے اندر حسن نہیں پیدا ہو رہا, حالانکہ ایک سے ایک پیرا سے کلام کرنے کے عادی تھے, لیکن کوئی بھی اس کا ایک بھی فقرے کا جواب نہیں لا سکے. قرآن کریم نے چیلنج ایسا کھلے طور پہ کیا جبکہ مقابلہ کرنے کے لیے ہر ایک اپنا حصہ ادا کرنا چاہ رہا تھا, لیکن سارے تھک ہار کے بیٹھ گئے, نہیں ہو سکتا, یہ قرآن ہے. تو قرآن کس کس اعتبار سے؟ کلمات کے لحاظ سے معجزہ, اپنی پیشن گوئیوں کے اعتبار سے معجزہ. قرآن نے مستقبل کے جو احوال بیان کیے, ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اگر وہ وقوع پذیر نہیں ہوتے تو دنیا چھٹ لا سکتی تھی. دیکھو اتنا عرصہ گزر گیا, قرآن نے خبر کی تھی, خبر دی تھی, ابھی تک وہ واقعہ پیش نہیں آیا, لیکن قرآن نے جیسا فرمایا بھی عین ہی ویسا ہی ہوا, اور جو بھی آگے کے احوال کی خبر قرآن نے دی ہے بالیقین ایسا ہی ہو کر رہے گا. ماضی کی خبریں قرآن نے دی ہے, حبیب پاک علیہ السلام کوئی تاریخ کا مطالعہ نہیں کر رہے تھے, جا کر کوئی افسانے کسی سے حاصل نہیں فرما رہے تھے, حبیب خاموش خاموش رہ کر یک بیک جب قرآن پڑھ کے سنانے لگے تو لوگ حیران ہو گئے کہاں سے لا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے رب کی بارگاہ سے میں لا کر تم کو سنا رہا ہوں. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم, کہہ دیجئے میرے محبوب اگر اللہ چاہے تو میں یہ پڑھ کے نہیں سناتا تھا, میرے رب نے چاہا تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, تو میں نے رب کی بارگاہ سے یہ کلام لیا ہے, اور جو جو تمہارے احوال ہیں ان سارے احوال کی میں خبر دے رہا ہوں, تم جہاں چھپا رہے ہو وہاں میں بتا رہا ہوں کہ کہاں تم نے خیانت کی ہے. چنانچہ اہل کتاب کرتے بھی ایسے ہی تھے, سابقہ کتاب کے اندر جو احکام آئے تھے وہ احکام کو بدل دیتے تھے, اور ایسا ہی ہے کہہ کر بتاتے تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ذرا دیکھو پورا پڑھو, ہاتھ رکھ کے کیوں پڑھ رہے ہو, آگے پڑھو, کیا یہ نہیں ہے؟ دنگ رہ جاتے تھے, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کوئی تحریر پڑھتے نہیں تھے, آپ تو کبھی ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے, یہ کتاب ہمارے پاس ہے, ہم نے اس کا نسخہ بھی کبھی آپ کو نہیں دیا, اور یہاں ہم نے کہاں دھاندلی کی, آپ کو کیسے خبر ہے؟ آپ فرماتے کہ جس رب کا میں رسول ہوں میرا رب ہر شے کی خبر دے رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر, اے اہل کتاب ایسے ہمارے عظیم رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں جو بہت سی باتیں تم چھپا چھپا کے جو رکھتے ہو یہ کھول کھول کر تم سے بیان فرما دیتے, تم جو چھپاتے ہو یہ کھول کے بیان کرتے ہیں کہ تم نے چھپایا ہے اصل میں ایسا یا ایسا ہے, ویعفو عن کثیر, اور بہت سی باتوں کو حبیب نظر انداز بھی فرما دیتے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں, دیکھیے حضور کھول کے بھی بیان کرتے ہیں اور نظر انداز بھی کر دیتے ہیں, تو اس میں دو چیزیں ہیں, جو چھپاتے تھے وہ لوگ رسول پاک اس کو کھول کر بیان کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ حضور کے علم کی شان معلوم ہو کہ دیکھو نبی پاک کا علم کیسا ہے, کہ تم جہاں چھپا رہے ہو میرا حبیب کھول کر بیان فرما رہا ہے, اور بعض باتوں کو حضور نہیں بیان کرتے تھے, درگزر کر دیتے تھے. اس میں کیا خوبی ہے؟ اس میں حضور کے اخلاق کا جلوہ ہے. دیکھو جس چیز کے بتانے میں صرف تمہاری رسوائی کے سوا کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوگی حبیب نظر انداز بھی کر دیتے تھے, اور جس کے بتانے سے علم کی شان ظاہر ہو اور ہدایت کا سورج چمکے وہاں بتا دیتے تھے مصطفیٰ. تو اللہ فرما رہا میرا محبوب علم والا بھی ہے اور اخلاق والا بھی ہے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی امت کو بھی, کہ اپنی نالج میں کسی کی پرائیویٹ زندگی ہے تو اس کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کر کے اسے رسوا نہیں کرنا, آپ کسی کے کمزوریوں کو خامیوں کو جانتے ہیں تو آپ کے حد تک ہے, کوئی اس کی اچھائی ہو تو ذکر کرو, حتیٰ کہ کوئی مر چکا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم, مرے ہوئوں کے اچھائیوں کو بیان کرو, برائیاں ہیں تو زبان بند کر لو, اس لیے کہ تم اچھائیوں کے گواہ بن جاؤ. اب رہ گیا جس برائی کی تم گواہی دے رہے ہو, کیا خبر ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو,
और उसके रब ने नामे आमाल से उसको मिटा दिया हो और तुम है कि बोल बोल कर उसको मजरू कर रहे हो। चुनाचे उस पर मेरे हबीब पाक का एक इरशाद, मन अय्यर अखाहु बिदंबिन, जो अपने किसी भाई को उसके किसी गुनाह की वजह से शर्मसार करे। एक गुनाह किया था आपके सामने किसी बंदे ने, आपने उसको शर्मिंदा कर दिया और वो गुनाह करने के बाद उसको नदामत हुई थी तो उसने अल्लाह से माफी मांग ली और रब ने उसको माफ कर दिया, लेकिन आपने क्या किया, उसको शर्मिंदा कर दिया, उसको मतऊन और मजरू कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं अब इसका हाल क्या होगा ताना देने वाले का, मालूम लम यमुत हत्ता यामलहु, लम यमुत हत्ता यामलहु, ये मरेगा नहीं जब तक कि वो खुद गुनाह में मुब्तला ना हो। वो जो गुनाह उसने किया था वो गुनाह इसके खाते में भी आएगा। तो हमारे आका ने तो पर्दापोशी की तालीम दी है, तो पर्दापोश पैगंबर के अखलाक ये हैं कि छुपाते हैं बहुत सी बातों को जिसके बताने में सिर्फ रुसवाई है तुम्हारी और जिसके बताने से हिदायत वाबस्ता है। तुम छुपाए सो चीजों को खोल के बताते, देखो मैं खुदा का नबी हूं, मैं जानता हूं कि तुमने कहां धांधली की। चुनाचे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने नसब नामों में जो कमजोरियां थी उसको भी जाहिर नहीं फरमाया था नसब नामों में। अब वक्त आया था, सवालात की भरमार शुरू हो गई, तब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बताया। चुनाचे बुखारी शरीफ में है कि मुनाफिकीन हुजूर के इल्म पर ताना देने लग गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जाहिर नहीं फरमाते थे, जब वो लोग मजलिस में आके बैठते थे तो उनको हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने अखलाक करीमाना से ही नवाज देते, उनके वो अंदर के छुपे हुए मामलात को डिक्लेयर नहीं फरमाते। अब वो लोग समझने लग गए कि हम तो अंदर से कुफ्र रखे हैं, सामने इधार इस्लाम का कर रहे हैं और हमको अपना ही समझ रहे हैं ये, लिहाजा अच्छा मौका है कौम में ये बात बताएं, पैगंबर के पास कोई छुपी हुई बातों का इल्म नहीं है, हमें नहीं पहचाने तो कहाँ वो सच्ची खबरें देंगे। ये बातें उन्होंने आम करनी शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर एतराज करते करते रब पर भी एतराज हो रहा था, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही ऐलान कर रहे हैं, क्या फरमाते हैं कि ऐ लोगो तुमको जो पूछना हो मुझसे पूछ लो, फवल्लाहि ला तसअलूनी अन शयइन इल्ला अखबरतुकुम बिही मा दुमतु फी मकामी हाजा, अल्लाह की कसम तुम जो पूछोगे मैं इसी मुकाम पर खड़े रहकर तुम्हें हर चीज का जवाब दे दूंगा, जो पूछना हो पूछ लो, जो चाहो पूछ लो। तो परेशान हो गए लोग, सहाबाए किराम नेक नियति से जो हाजिर हैं वो भी हैरान हो गए कि आखिर इतना जलाल हुजूर का जाहिर हो रहा है। मुनाफिकीन की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान आम फरमा दिया। तो एक सहाबी थे, खैर उनका एक मसला था, वो सोचे चलो अच्छा है इस अपना मसला पूछ लेना चाहिए। वो अर्ज करने लगे मन अभी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद कौन, उनके बारे में कुछ सीमागोयां की जाती थी। उन्होंने कहा जो सूरत हाल सामने आ जाएगी, अब हकीकत जब आ जाएगी सामने तो फिर कोई दूसरी बात नहीं हो सकेगी। तो मेरे आका ने फरमाया अबू का सालिमुन, एक ने पूछा अबू का हुजाफा, तुम्हारे वालिद हुजाफा है, एक से पूछ फरमाया अबू का सालिमुन मौला शैबा, तुम्हारे वालिद सालिम है जो शैबा के आजाद करदा गुलाम। दोनों ने भी अलग अलग पूछे अपने वालिद के बारे में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब इनायत फरमाया। अब मुनाफिकीन को तशवीश शुरू हो गई, अरे यहाँ तो पैगंबर हम समझ रहे थे इन्हों खाली नमाज रोजे के अहकाम बताते, अब तो घर के अंदर के हालात भी बता रहे, तो उनके चाहने वालों में उनका इल्म और जाहिर हो रहा, लिहाजा अब क्या करना, हम मुगालता देना। मुगालता देने का तरीका क्या है, कहने लगा ऐन मदखली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं मरूंगा तो जाऊंगा कहाँ, मेरा ठिकाना कहाँ, नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठा है और लफ्ज़ या रसूल अल्लाह से खिताब कर रहा है, तो फिर मरेगा तो कहाँ जाएगा। एक आम मुसलमान क्या फैसला करेगा, एक आदमी मस्जिद में आ जाए नमाज पढ़ा है और हुजूर को रसूलुल्लाह मान रहा है तो फिर क्या है, मोमिन होगा, मोमिन होगा तो जाहिर है कि ईमान पर मौत होने पर जन्नत में दाखिला मिलेगा। तो उसने यही अंदाज से कहा मेरा ठिकाना कहाँ है, हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला अन्ना, तेरा ठिकाना दोज़ख है, इसलिए कि तेरे दिल का कुफ्र मैंने आज तक मख्फी रखा था, पर्दापोश अल्लाह ने मुझे बनाया, मेरे रब ने अफ़ू व दरगुजर करने वाला बनाया, लेकिन रब की बारगाह में तू गद्दारी कर रहा है और इस्लाम के नाम पर धोखा देना चाहता है, तो अब ये मुगालता खायम नहीं रहेगा, ये बरकरार नहीं रहेगा। रसूल पाक ने फरमाया अन्नार, इसलिए कि लफ्ज़ रसूल जबान पर है दिल में नहीं है। अब इतना बड़ा हुजूर ने ऐलान कर दिया तो उनको तशवीश हो गई कि हमारे दिल के अंदर कुफ्र है कैसे मालूम, कैसे कह दिए पैगम्बर। अल्लाह ने फरमाया रे कम बख्तो सुनो, मैं कुरान के अंदर एक सूरा ही उतार देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू इन क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ए मेरे हबीब, जब मुनाफिक आपके पास आए तो वो ये कहेंगे कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं,
नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्नका रसूलुल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। और ये भी कह रहे हैं वल्लाहु यालमु, और अल्लाह भी जानता है, इन्नका लरसूल, बेशक आप उसके रसूल हैं। और अल्लाह फरमा रहे वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है बेशक मुनाफिकीन झूठे हैं। वो क्या कह रहे थे, आप अल्लाह के रसूल, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह भी जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर अल्लाह ने फरमाया कि महबूब अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। क्यों? इसलिए कि जो जबान पर है ये इनके दिल में नहीं है, दिल में इन्होंने कुफ्र को रखा था, और दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए इस्लाम की तरक्की को देख कर ये लिबादा इस्लाम का उड़कर आपको रसूलुल्लाह कह रहे हैं, तो हुजूर के फरमान की अल्लाह ने तस्दीक भी फरमाई कि मेरे हबीब ने एक रसूलुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करके सवाल करने वाले से फरमाया कि तेरा ठिकाना जहन्नम है, तो हक फरमाए, इसलिए कि उसके दिल में कुफ्र था। रसूल मेरा कुरान जिसके कल्ब पर मैंने नाजिल किया, उनके कल्ब को इतना चमकाया कि जाहिर भी अजा है तो बातिन भी मुस्तफा के सामने अजा है। अगर हबीब ने नहीं फरमाया है तो लाइल्मी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अफ़ व दरगुजर के अखलाक की बुनियाद पर है। अगर तुमने उसका गलत फायदा उठाया तो देखो मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम्हारे सामने हकीकत को वाजे फरमा रहा है। तो वो कुरान के जरिए से हबीब को इल्म बख्शा गया। तो बाप देखिए सीना कैसा खोल दिया अल्लाह ने, और कल्ब अकदस को कैसी वसअत बख्शी है, उस कल्ब अकदस में किस तरह अनवार को भर दिया है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ज़ाहिर व बातिन को मुलाहिज़ा फरमा कर उसकी तर्जमानी फरमा रहे हैं। और फिर वो सहाबी ने जो कहा था मेरे वालिद कौन है, उनके घर जब वो पहुंचे तो उनकी अम्मी बोली बेटा तुमने कोई अच्छा सवाल किया क्या, एकदम भरे मजमे में पूछ लिया मेरे बाप कौन है। अरे तुमको नहीं मालूम जाहिलियत में इस्लाम के अहकाम नहीं थे, निकाह के उसूल नहीं मालूम थे, तो मामलात भी शरई उसूल के मुताबिक नहीं भी अंजाम पाते थे। अगर तुम्हारी अम्मी से कोई गलती हो चुकी होती और उस गलती के नतीजे में तुम पैदा हुए होते और हुजूर अलैहिस्सलाम हकीकत में किसी का नाम लेकर उसको बाप कह देते तो कितनी शर्मिंदगी मुझे हो जाती थी ना बेटा। तो बेटे ने क्या जवाब दिया, मेरी अम्मी कसम खुदा की अगर हुजूर किसी काले कलोटे गुलाम की तरफ इशारा करके फरमाते ये तेरा बाप है तो तुमको झुटला देता था, मुस्तफा को नहीं झुटलाता था, हालांकि तुम्हारे पेट से पैदा हुआ हूँ, तुम्हारी गोद में पला हूँ, मगर मैं इस बात के बताने में हक बजानिब हूँ कि गलती तुमसे हो सकती है, नबुवत की जबान से गलती नहीं हो सकती। जिस जबान से कुरान हमने सुना है उस जबान से गलती नहीं हो सकती। जिस जबान को अल्लाह ने महबिते वही बनाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, हबीब ख्वाहिश से नहीं फरमाते, जो फरमाते अल्लाह की वही की बुनियाद पर फरमाते हैं। तो जो जबान वही इलाही की तर्जुमान है वो गलती नहीं कर सकती अम्मी जान। तो साहेबजादे ने भी बताया दुनिया को, तो अल्लाह के हबीब के जरिए से जो हमें कुरान अता हुआ है ये इल्म इरफान की किताब है, रुश्द हिदायत की किताब है, दस्तूर अखलाक है, ये मंशूर हयात है, ये इसके बगैर जिंदगी का हमारा कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। इल्म की दुनिया में भी हमें अगर तरक्की करना है तो यही कुरान से रिश्ता जोड़ना है, अखलाकी जिंदगी में भी हमें आगे बढ़ना है इसी कुरान से। पहलों को भी बुलंदियाँ इसी कुरान से मिली, हमें भी बुलंदियाँ इसी कुरान से मिलेगी, हमारी नस्लों को भी बुलंदियाँ और इज्जत इसी कुरान से मिलेगी। अगर कुरान से हमने अपनी नस्बत को कमज़ोर कर लिया तो अजीज़ान मोहतरम हमारा नसीब रुसवाई बन जाएगी, जिल्लत बन जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते इन्नल्लाहा यरफ़ऊ बिहादल किताबी अक़वामन व यदऊ बिही आखरीन, बेशक अल्लाह इस किताब के ज़रिए से कौमों को बुलंदियाँ और उरूज अता करता है और इसी किताब से रिश्ता तोड़ने की वजह से उन्हें पस्ती में डाल देता है। अब हम अपने निहा खाने दिल में जरा झांकें और पूछें कि हम इस कुरान से कितना राबिता रखते हैं, क्योंकि ये कुरान का महीना है और आज योम कुरान है कि हमने अल्लाह के कलाम को मुकम्मल किया है तलावी में पहले आशरे के अंदर। तो अब हम अपने तौर पर देखें तो इस कुरान से हमारा ताल्लुक कितनी जहतों से है। कुरान शरीफ के हम पर बुनियादी तौर पर पाँच हकूक हैं। सबसे पहले तो कुरान को अल्लाह की किताब माने, ये अल्लाह की किताब है जिसके अंदर कोई खता का इम्कान नहीं, जिसका हर हर कलिमा हक है, मुनज़्ज़र मिन अल्लाह है, इसकी सदाकत पर हमारा ऐसा यकीन कि जिसमें कोई शक शुबे का कांटा भी चुभने ना पाए ये होना जरूरी। अल्लाह का कलाम है, हबीब मुकर्रम के कल्ब अथर पर उसने नाजिल फरमाया और बिल्कुल इब्तिदा से आखिर तक ये वो है जो लोहे महफूज से नाजिल किया गया, इसमें कोई तब्दीली कभी नहीं हुई, इसमें कोई तहरीफ नहीं हुई और कोशिश करने वाले की है, लेकिन हिफाजत इलाही
हमेशा इसका साथ दी, जैसा कि वादा इलाही है, इन्ना नहनु नज़ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और बेशक हम ही इस कुरान के मुहाफिज हैं। तो हिफाजत इलाही की वजह से कुरान करीम में तहरीफ तब्दीली कभी हुई ही नहीं। कोशिश करने वाले करके अपने आप को रुश्वा कर लिए, लेकिन कुरान को कोई बदल नहीं सका। तो नंबर एक, कुरान ये जैसा रब ने नाजिल किया वैसा ही है, जैसा मुस्तफ़ा ने पढ़ के सुनाया वैसा ही है, जैसा सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ के सुनाया वैसा ही है, जैसा फारूक आज़म ने पढ़ के सुनाया वैसा ही है, जैसे उस्मान गनी ज़िन्नूरैन ने पढ़ के सुनाया वैसा ही है, जैसा मौला अली हैदर कर्रार ने पढ़ के सुनाया वैसा ही है, जैसे सईद कायनात पढ़ा करती थी वैसे ही है, जैसे शहजादा गान पढ़ा करते वैसे ही है, करबला में इमाम अली मुकाम ने जैसे पढ़ा वही कुरान है। और जब आपके सरे अनवर को तमे अकदस से जुदा किया गया और नेजे पर बुलंद किया गया, तब भी आपके लबाए मुबारक इसी कुरान की तिलावत करते हुए नजर आ रहे थे। तो आपके उस सीने सरे अनवर ने भी दुनिया को बताया कि देखो कुरान से एक मोमिन का रिश्ता कैसा होना चाहिए, हमसे जरा सीखो तो सही। हमारे सर ने तन से रिश्ता तो तोड़ दिया है पर कुरान से रिश्ता नहीं तोड़ा है, ऐसा तुम्हारा ताल्लुक कुरान से होना चाहिए। इमाम के सरे अनवर ने हमें पैगाम दिया है, हमने घर अपना लुटाया जरूर है मगर कुरान की हुरमत को नहीं लुटाया है, हमने अपने जिगर पारों को कटाया जरूर है मगर कुरान के नुखुश को हमने नहीं कटाया है। जरा हमारे कटे हुए सरों को नेजों पर बुलंदी की हलक में देखते देखते ये भी सबक देखो, इस कुरान से जो रिश्ता हमारे नबी ने हमारा जोड़ा था उससे हमारा रिश्ता अबदियत का कायम हो चुका है। और तुमको हदीस मालूम कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में खुतबा देते हुए फरमाया था, या अय्युहन नास إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يريد علي الحوض। اے لوگو بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جنہیں تھام لوگے تو تم گمراہ نہیں ہوں گے, ایک اللہ کی کتاب قرآن شریف, دوسرے میری عترت اہل بیت اطہار ہے, ان کو تھام لو اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے۔ تو امام کے سر انور نے بتایا دیکھو हम कुरान से जुदा नहीं हुए, कुरान हमसे जुदा नहीं हुआ। इस तरह से कुरान को अल्लाह का अबदी कलाम मानना और बिल्कुल हर तबदुल से महफूज, हर तब्दीली से महफूज मानना, हर तहरीफ से महफूज, उसके कलिमात तक नहीं बदले गए, उसके मानी में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, जैसा हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़कर सुनाया वैसा ही, और ये एतमाद के साथ मानना पहला हक है कुरान पहले। दूसरे नंबर पर पहले हक के बाद आता है कुरान को पढ़ना, तिलावत करना, उसके कलिमात को पढ़ना बेहतरीन, उनके अदायगी तरीके जो तरीके बताए गए, जिस हर्फ का जो मखरज बताया गया, उसके जो सिफात बताए गए, मखारिज सिफात की रियायत के साथ पढ़ना दूसरा हक। नंबर तीन, उसके मानी व मफाहिम को समझना। नंबर चार, उसके तकाजों पर चलना। नंबर पांच, ताब मकदूर उसकी नशर व इशाअत करना, ये उम्मत के जिम्मे है। पांच बातें हैं, कुरान को मानना, नंबर दो कुरान को पढ़ना, नंबर तीन उसके मजामीन जिसमें रुजो हिदायत है, जिसमें नसीहत है, जिसमें हमारी आखिरत की बातें हैं उसको समझना, नंबर चार वो जिस तरफ हमें मुतवज्जे कर रहा है, जो करने के काम है उस पर चलना, जो बचने के काम है उससे बचना, और नंबर पांच अपने तौर पर अमल करके खामोश नहीं बैठना, उसकी इशाअत करना। ताब मकदूर, हर आदमी अपनी वसत के मुताबिक जो जिस सतह का है उसके लिहाज से, ये जिम्मेदारी हमारे आका ने सौंपी है, अला फल युबल्लिग शाहिदुल गाइब, जब ये हुकूक हम कुरान के अदा करेंगे तो फिर यकीनन हम सर बुलंद रहेंगे। हम बैसे थे बाप के चाहते हैं कि औलाद हमारा हक अदा करे, शौहर है तो बीवी से कहते मेरा हक अदा करो, बीवी कहती शौहर को मेरा हक अदा करो, बच्चा कहता तालीम के एतबार से जो मेरा हक है मेरे माँ बाप अदा नहीं कर रहे, पड़ोसी कहते कि हमें हक मिलना चाहिए। हम बंदों के हकूक़ की बात करते हैं, हम इंसानों के हकूक़ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम फलां के हकूक़ फलां के हकूक़ फलां के हकूक़। अरे जिस किताब को अल्लाह ने हमारे हवाले किया उसके भी हकूक़ कभी हमने गौर किया? हमने कैसे इसके हकूक़ के सिलसिले में मेहनतें की है? जबकि महशर का मैदान बपा होगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? कुरान कह रहा है वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखदू हादल कुरान महजूरा, रसूल कहेंगे रब की बारगाह में मेरे परवरदिगार इस कौम का हाल ये है कि इन्होंने कुरान को पसे पुछ डाल दिया था, कुरान से इन्होंने अपना ताल्लुक मुनक़ते कर लिया था। तो लिहाजा ये शिकायत दिन के बारे में होगी उनमें हम शामिल नहीं होना, उसके लिहाज से हमको तवज्जो करना है, दीन के सिलसिले में शऊर अपना बेदार करना है। अब कुरान के मफाहिम समझने में जहाँ तक है, वो जो मसाइल मुस्तंबत करना है, नए नए मसाइल हल करना, ये तो हर आम खास की बात नहीं, हर हर आम हर कसो नाकस की बात नहीं है,
ये तो अहले इल्म अहले फिक मेहनत करेंगे, लेकिन आम सतह पर जो कुरान की हिदायत है जिसमें सच्चाई की तालीम है, झूठ से बचने की तलकीन है, जिसमें माँ बाप के एहतराम की तालीम है, इसमें अच्छे सिफात के हामिल बनने की तालीम है, ऐसे मजामीन गीबत से रोकना है, मसखरापन करने से रोकना है, किसी का इस्तेहजा करने से अपने आप को रोकना है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसका जानना ज़रूरी है। ये बीवी के इसलिए शोहर के क्या सिलसिले में हिदायत की गई उसको जानना ज़रूरी है। अब देखिए आजकल का मसला ये है कि पर्दा है, हिजाब है, निकाब है। अब निकाब का जिक्र कुरान में है या हिजाब का जिक्र कुरान में है या फिर खिमार का जिक्र कुरान में है, अब इस पर बहस हो रही है। और हैरत इस बात की है कि कुरान पर गहरी नजर नहीं है और बहस करके ये बोल रहे हैं कि कुरान में कहीं चेहरा चेहरे के पर्दे का जिक्र ही नहीं है कुरान में, सा जिस्म ढांपने का जिक्र है, चेहरे का तो जिक्र ही नहीं है कुरान में। अरे हैदराबाद में एक जगह हम गए हुए थे, वहाँ एक डॉक्टर साहब है और इंतहाई जहीन आला दर्जे के फहम रोशन दिमाग आदमी, बोल रहे कहीं ऐसा कुरान में मिलता ही नहीं। अरे बोला कौन से कुरान शरीफ की आयतें आप पढ़े? नहीं मैं देखा पूरा उसके ऊपर लिखी भी सारी पढ़ा, कौन सी अंग्रेजी में पढ़े, अरबी में पढ़े, कह में पढ़े? नहीं अंग्रेजी में, उसके तर्जुमे और उसकी तहकीक करे। वो कौन? एक अंग्रेज की लिखी हुई अंग्रेजी जबान में हिजाब के मुतालिक जो बहस और रिसर्च है उसको पढ़ के हजरत फरमा रहे हैं कि नहीं कुरान शरीफ में ऐसा है ऐसा नहीं। भाई एक नजरिया कायम करके कोई कुरान शरीफ को पढ़ता है तो वो अलग बात है, लेकिन जब कुरान के आप अपने आप को हवाले करके पढ़ते हैं तो कुरान जो फरमा रहा है वो लेते हैं। आप अपना पहले एक नजरिया बना लेते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से आप ढूंढते हैं उससे मुतालिक क्या चीज़ हो सकती है, वो लेंगे, बाकी चीज़ को हटा देंगे, नहीं चलता। कुरान करीम में एक जगह न पर्दे का हुक्म है न एक जगह नमाज का हुक्म है। एक नसीहत करना चाहता हूँ कुरान फहमी का ज़ौक रखने वाले नौजवानों को भी, हमारी बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी, हमारी मोहतरम माओं को भी और अपने बुजुर्गों को भी, जवानों को भी, कि इस वक्त चूंकि ऑनलाइन तालीम आम होती चले जा रही है और फिर यह कि मुख्तलिफ क्लिप्स हर जगह फैलाए जा रहे हैं, किसी न किसी एक दो तीन मिनट की बात है, अब लोग समझते हैं कि उसमें जो बात आ गई कंप्लीट बात है, उसको ले लेके चलते हैं। कभी किसी के खिताब का एक हिस्सा एक जुज होता है, अगर वो बात दूसरे से मरबूत थी काट के ली गई है तो वो अधूरी बात होगी। जैसे मैं आपको अर्ज करता हूँ कुरान करीम के अंदर शराब हराम है कहकर इब्तिदा में नहीं लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में कहीं पर भी एक साथ नहीं बताया गया शराब दर्जा बदर्जा उसके अहकाम आए। अगर कोई दूसरा पारा कुरान का पढ़ ले तो कुरान की आयत से वो ये कह सकता है कि मैं तो पढ़ा हूं भाई कुरान शरीफ में शराब में फायदा भी है, जुवे में फायदा भी है। कैसे लोग हैं भाई, जुवा नहीं करना, जुवा नहीं खेलना बोल रहे हैं, शराब नहीं पीना बोल रहे। मैं पढ़ा देखो सूरह बकरा में कहा है भाई, पढ़ के सुनाता हूँ, आयत नंबर फना है, सूरह फना है, पारा फना है, क्या है? यस अलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ए हबीब लोग आपसे पूछते हैं शराब और जुबे के बारे में, आप कह दीजिए इसमें बहुत नुकसान है, वो मनाफिउ लिन्नास थोड़ा सा लोगों के लिए फायदा भी है, कुरान में है ये फायदा है बल्कि आया कुरान में। लेकिन ये आयत हतमी और आखिरी नहीं है, इब्तिदा में जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ तो अखलाकियात को और उनकी अमली जिंदगी को संवारने के लिए एक बायक पूरे अहकाम नहीं दिया कुरान। साबिक में यहूदियों को जो किताबें भी गई थी साबिक महले किताब को वो एक साथ दी गई थी, वो लोग क्या किए, समीना वासीना बोले, सुने और हम इनकार कर दिए, बोले। अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत पर करम करके फरमाया मैं एक बैग नहीं देता हूँ, थोड़ा थोड़ा देता हूँ। मक्के के 13 साल में नमाज की फर्जियत का हुक्म आया ही नहीं, इब्तदाई दौर में जक़ात का हुक्म नहीं आया, हज का हुक्म नहीं, हालांकि मक्के के पास मुसलमान 13 साल रहे कुरान नाजिल होने के बाद, पर हज करो का हुक्म नहीं आया। मदीने शरीफ गए तब आया, देखो आप जक़ात मदीने शरीफ में जाने के बाद फर्ज हुई और नमाज मक्के शरीफ में फर्ज हुई मगर मेराज के बाद, मेराज में फर्ज की गई, तो वो कब 11 साल का अरसा बीत गया, 12वें साल में आए, आधा साल गुजर गया तब हुजूर को मेराज हुई, तो उसमें नमाज का तोहफा मिला, उससे पहले 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं रही। तो ये अल्लाह ताला ने इब्तिदा में जो चीज़ें नहीं फर्ज की है वो लेकर बाद में जो चीज़ें फर्ज की है उससे नज़रअंदाज कर देना, उसको नज़रअंदाज कर देना, नज़रें उससे हटा लेना, ये बड़ा मुगालता जो आम तौर पे हो रहा है। मैं एक खैरखाही के जज्बे के तहत आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इस तरह अधूरी बातें लेकर दीन की तर्जुमानी नहीं करना। दीन की तर्जुमानी करना है तो पूरा इस्लाम के निज़ाम को समझना। जैसे मैं अर्ज किया कि शराब और जुवे में कुछ फ़ायदा भी है, इब्तिदा में फरमाया क्यों, वो लोग इतने आदी हो गए थे कि शराब घुट्टी में पड़ी हुई थी, जुबे का आम मिजाज था। तो कुरान करीम एक बेहतरीन अंदाज से जाब्ते अखलाक की तालीम देते हुए फरमाया, देखो लोग आपसे पूछ रहे हैं मेरे महबूब शराब जुबे के ताल्लुक से, आप कह दीजिए इस्मुन कबीर बड़ा नुकसान है, बड़ा गुनाह है, कुछ फ़ायदे भी उसके अंदर है,
कि पैसा इनको मिल जा रहा, थोड़ा सुरूर आ जा रहा, थकावट दूर हो जा रही बोल रहे हैं लोग, लेकिन नुकसान ज्यादा है। तो इसी से अकलमंद लोग समझ गए, अरे जिसमें नुकसान ज्यादा है थोड़ा फायदा है, हम वो काम क्यों करना, छोड़ दिए। लेकिन हुरमत मुकम्मल तौर पर नहीं आई। दूसरे नंबर पर कुरान की एक आयत है पांचवें पारे में सूरह निसा में, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, अजी देखो जब तुम नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब नहीं आना। आम हालतों में नमाज का वक्त नहीं, वक्त शराब पी लिए तो कोई बात नहीं, मगर जब नमाज का टाइम आया नशा उतर जाना, नशे की हालत रहे तो नमाज के काबिल नहीं है, तो नमाज पढ़ने के लायक नहीं है। तो लोग समझ गए, अरे जो हालत में अल्लाह अपने दरबार में आना पसंद नहीं करता वो हालत में रहना क्यों, कुछ लोग छोड़ दिए। पर अभी हुक्म नहीं आया। फिर सातवां पारा शुरू हुआ, सूरह माईदा नाजिल हुआ, उसमें आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमाली शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, बिला शुबा शराब जुआ और ये सारी चीजों का जिक्र आया, फरमाता है कि ये शैतान की गंदगी और नजासत है, इससे बचो, ये शैतान के काम है, तुमको कामयाबी मिल जाएगी। शैतान यही चाहता है कि इसके जरिए से तुम्हें अदावत और नफरत और बोझ में मुब्तला कर दे, तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ पैदा कर दे। क्या तुम बाज नहीं आओगे, क्या तुम रुकोगे नहीं, बस ये आखिरी हुक्म आ जा। जब ये हुक्म आया तो मदीने मुनव्वरा में आ जा। उस वक्त हजरत सहाबा किराम अभी शराब हराम नहीं हुई थी, तो बाज लोग पीते भी थे, शराब का दौर चल रहा था, मैखाने में बैठे हुए थे, जाम लबालब है, होंठों के करीब है, कोई पी रहा है, कोई पीने के करीब है, और बिल्कुल खुशगप्पियों में मसरूफ थे कि आयत उतरने के बाद एक सहाबी गए जाकर कहने लगे, लोगो सुनो, मैंने अभी हुजूर की मजलिस में शिरकत की थी, वहां कुरान की आयत नासिल हुई और शराब हराम कर दी गई है। जैसे ही ये हुक्म सुनाया गया, शराब की बोतल होंठों के करीब थी, उन्होंने फेंक दी, सुराहियां शराब से भरी हुई थी, उन्होंने उसको तोड़ दी, और जो शराब उनकी मरगूब थी अब वो नजिस पानी की तरह बहने लग गई। चश्मे फलक ने यह मंजर देखा और रिकॉर्ड कर लिया कि देखो हुरमत का हुक्म आने के बाद अपनी पसंदीदा चीज को किस तरह मुसलमान छोड़ देते हैं। तो दर्जा बदर्जा अहकाम आया। तो लिहाजा कुरान करीम में जिस तरह शराब के सिलसिले में तीन जगह अहकाम आए ना, पर्दे के सिलसिले में भी तीन जगह अलग अलग अंदाज से अहकाम आए। तो एक मकाम की चीज ले लेंगे, वो नमाज का पर्दा अलग है। नमाज में एक औरत के लिए पर्दा अलग है, अजनबियों के सामने उसके बदन का पर्दा अलग है। तो मुगालता कहाँ हो रहा, नमाज से मुताल्लिक जो पर्दा है वो मजमून को ले लेते हैं और उसको अजनबियों के सामने निकलने की सूरत पर फिट करके, कुरान में है जी, हम पढ़े सूरह नूर में ऐसा है। अरे मेरे प्यारे, सूरह नूर कौन से पारे में है, 18वें पारे में, और 19वां पारा आएगा, 20वां आएगा, कुरान खत्म हो जा रहा है। यही पढ़ते जाओ आगे, कौन सा सूरह आएगा, सूरतुल अहज़ाब आएगा 22वें पारे में। उसमें अल्लाह का हुक्म, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा दीजिए, अपनी बीवियों से फरमा दीजिए, अपनी साहेबजादियों से फरमा दीजिए, और मुसलमानों की बीवियों से, औरतों से फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, जब जरूरत के लिए वो बाहर जाएं तो अपने दुपट्टे के पल्लों को अपने चेहरों पर डाल दें, जो चादरें बड़ी ओढ़ी हुई हैं उसका किनारा अपने चेहरे पर डाल लें। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, वो जो दुपट्टे वो जो चादरें हैं उन चादरों के कुछ हिस्से क्या करें, उससे दुपट्टे के तौर पर चेहरों पर ढांक लें, ये अल्लाह ने फरमाया। इससे होगा कि ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين, ये इस बात के करीब है कि ये मुअज्जज औरतें हैं, पहचान ली जाएंगी, इन्हें छेड़ा नहीं जाएगा, इन्हें सताया नहीं जाएगा। तो ये कुरान करीम में आया है। और जब ये आयत शरीफ नाज़िल हुई, बुखारी उठा के देखिए, सहाबियात ने क्या किया, उन्होंने अपने जो चादरें थी उसके किनारे फाड़ लिए, उसकी ओढ़नियां और दुपट्टे बना लिए, उन्होंने अपने चेहरों को ढांक, उसके बाद कोई बगैर चेहरे को ढांके के गई, एक मिसाल नहीं मिलती। हत्ता के एहराम में निकाब औरत के लिए मना है, दस्तादे मना है। अब उसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम ने निकाब से मना किया था, यानी चेहरे को नहीं ढांकना चाहिए एहराम में, चेहरे को कपड़ा नहीं लगना। अब पर्दा आम हालतों में चेहरे का कितना था, जब एहराम में ये निकाब के इस्तेमाल से रोका गया तो क्या करते थे अजनबी मर्द अगर गुजरते तो सहाबिया, अबू दाऊद में हदीस है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि हम फौरन अपनी चादरों के किनारे लेकर चेहरे पर डाल लेती थी, लटका लेती थी, उसको सरका लेती थी, जब वो गुजर जाते तो हटा लेती थी। इसका मतलब क्या हुआ, आम मिजाज क्या था, चेहरे को खुला रखने का नहीं था। अगर आम मिजाज चेहरे को खुला रखने का रहता तो क्या करते, चेहरे को क्या करना है जी, गुजरे तो गुजरने दो बोलते थे। तो ये है कुरान पर अमल करने वालियां, अहादीस पर अमल करने वालियों की मिसाल। और एक मिसाल आप देखो अबू दाऊद शरीफ की सुनाते, मैं बात को खत्म करता हूँ क्योंकि हमारी माएँ भी काबिल लिहाज तादाद में हैं, ये कौम को संभालने वाली संवारने वाली है। दुख्तरान मिल्लत अगर हयादार बन जाएंगी तो उनकी कोख से जन्म लेने वाली औलाद भी वफाशियार बनेगी।
आप पर सबकी नजरें हैं मेरी बहनों, आपसे पर्दा छीना जा रहा है। ये सिर्फ पर्दा नहीं छीना जा रहा है, आपसे तहजीब व सकाफत छीनी जा रही है। एक मुदब्बिर ने दुनिया के अहवाल का जायजा लेकर कहा था कि ये मुसलमानों के अंदर जो गैरत ईमानी है कि हुजूर की मोहब्बत में मर मिटते हैं, कुरान के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, साहब कुरान के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मुसलमानों का जोश वलवला क्यों ऐसा है? तो जायजा लेने के बाद समझ में आया कि वफादार हयादार माओं का दूध पीने की बरकत, जो इनकी छातियों से ये दूध पीते हैं पहली गिजा हयादार होती है, वो पर्दा नशीन होती है, वो उसका असर औलाद में आता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर उनकी माओं को बेहया बनाना चाहिए। अब उसके लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं और ऐसे अंदाज से चीज़ें पेश की जाती है कि ये अब समझती है कि कोई बात नहीं, हम तो बहुत कैद में थे, अब तो खुली छूट मिल जा रही है, हमको जो है आज़ादी मिल जा रही है, हमको अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए पूरे सहूलतें मिल जा रही है। इस्लाम भाई डॉक्टर बनने से नहीं रोका, लायर बनने से नहीं रोका, इंजीनियर बनने से नहीं रोका, आप जो चाहे दुनिया की तरक्की आप में आगे बढ़ो। हत्ता कि बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर की शहज़ादी, जिनके पर्दे की दुनिया में मिसाल दी जाती, वो इस पर्दे के बावजूद बेहतरीन डॉक्टर भी थी। हाँ, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा का ये उनसुर नहीं आया सामने लोगों, बेहतरीन डॉक्टर थी, बेहतरीन मेडिसिन जानती थी, इलाज करने के फन उनको मालूम थे, इलाज करने के गुर मालूम थे उस जमाने में शहजादी, और उहद के मैदान में उन्होंने जख्मियों का इलाज किया। मुस्तफ़ा ने एक टीम तश्कील दी थी खवातीन की, उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन तिब के उसूल बताए थे, आका ने तैयार किया था। मेरे मुस्तफ़ा सिर्फ रूहानी तबीब ही नहीं, जिस्मानी तबीब भी है ना, कि बीमार हो जाए तो इलाज भी बताते। मदीना शरीफ दारुश शिफा है, बीमार कोई नहीं होता बल्कि कैसी बढ़ जाएगी, अगर किसी को बीमारी आए तो करना क्या है वो भी तो सिखाएंगे ना हुजूर, अगर जख्मी हो जाए तो कैसा करना चाहिए तक बताए, खून अगर जख्म से बह रहा है और खून थमता नहीं है तो कैसे उसको रोकना चाहिए, मुस्तफ़ा ने वो दवा भी सिखाई थी फातिमा ज़हरा। चुनाते रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब उहद के मैदान में तशरीफ लाए तो एक खवातीन की टीम भी मुजाहिदीन की खिदमत के लिए पहुंची थी, जैसे खवातीन नर्सेस डॉक्टर्स जाते हैं ना, तो वो हिजाब शरई के साथ पहुंची थी वहां, और सूरत हाल ऐसी थी कि जख्मियों का इलाज करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और उनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मरहम पट्टी करने की दवा दारू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम का भी चेहरे अनवर जब जख्मी हुआ तो खून अकदस जब बह रहा था तो सगीदा उस मुबारक खून को बहने से रोकने के लिए तदबीर करके इलाज कर रही थी। यह है हदीस पाक बुखारी शरीफ में। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी अजीज बहनों, तुम्हें इस्लाम ने कभी नहीं रोका है इन तरक्यात से, सईद कायनात की भी जिंदगी से मिसालें मिलती, महातुल उमिन की जिंदगी से मिसालें मिलती, लेकिन हिजाब का और निकाब का ये जो उसूल इस्लाम ने दिया है इसमें तुम्हारी हया की हिफाजत है, तुम्हारे तकद्दस की हिफाजत है, तुम्हारी अजमत की हिफाजत है, तुम्हारी शान शौकत की हिफाजत है। अब देखिए मिसाल सुनन अबू दाऊद की हदीस शरीफ में अर्ज करना चाह रहा था कि उसको सुनाकर बात को खत्म करता हूँ, वो ये है कि एक गजबे में एक सहाबी शहीद हो गए थे, उनकी वालिदा सदमे से निढाल होकर हुजूर की बारगाह में आई अपने बेटे के बारे में दरियाफ्त करने के लिए कि मेरा बेटा जो शहीद हो गया उसको कोई अजर भी मिला या ऐसी जाकर कोई सवाब नहीं पाया, ये पूछने के लिए आई थी। मगर हाल क्या था, निकाब पहनी भी थी, पूरा पर्दा तो था ही, चेहरे पर भी निकाब था। तो किसी सहाबी ने देख कर कहा कि ये खातून को देखो जी, बेटा इनका इंतकाल कर गया, शहीद हो गया, इतने गम से निढाल है, चला नहीं जा रहा है, मगर निकाब भी नहीं उतरा है, जरा देखो निकाब उड़े हुए आई है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने बेटे के गम में आई और निकाब तक नहीं उतारी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अगर मैंने अपने बेटे को खोया है तो क्या निकाब को खोया है, क्या मैंने अपनी हया को खोया है, मैं बेटे के सदमे से दोचार हूं मगर अपनी हया को छोड़कर मैं बेचार कभी इस सदमे से दोचार नहीं हो सकती। तो ये ऐसे मौके पर भी उन्होंने ऐसा किया। तो इससे क्या मालूम हुआ, बोलिए कि जो कुरान नाजिल होने के मौके पर थीं, कुरान को समझी, उन्होंने निकाब का अहतमाम किया। आप 1443 हिजरी में कोई आकर कहे कि नहीं जी हम तो कुरान पढ़े इसमें तो है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, आपकी फहम की हम तारीफ करेंगे क्या, जहां से फहम की खैरात मिलती हम कहेंगे उधर चलिए, पलटी अपनी असल की तरफ, जहां आप हम कुछ फैसला करेंगे तो हमसे चूक और खता हो सकती है, लेकिन असलम और अहवत तरीका क्या है, जहां फितने का अंदेशा है वहां अजनबियों के सामने चेहरा छुका छुपाना भी नहायत ही लाजिम और जरूरी है, इसमें तकद्दस की हिफाजत है। ये मसाइल खवातीन को भी मालूम होनी चाहिए, मर्दों को भी मालूम होना चाहिए, और जो लोग आदि हो गए ना वो लोगों पे गिरां गुजरता जरूर है, लेकिन रफ्ता रफ्ता पुख्ता बाशत जहन बनाने से ही बनता है। देखिए शराब एक बैग हराम नहीं की गई, रफ्ता रफ्ता बनाए तो वही जो लोग इतने पीने के आदि थे फेंक दिए वो लोग, अब इतना हुजूर ने मना किया, अब आगे क्या फरमाए मालूम, पहले तो शराब को 3 मरहलों में मना किए ना, अब जब हुरमत शदीद आ गई तो मेरे आका फरमाए देखो
ये जो बर्तन है जिसमें शराब बनाते थे, हुजूर फरमाए अब ये बर्तनों को धो के पानी इसमें नबीज भी मत बनाओ, फरमाए खजूर भी भिगाओ मत उसमें, ये चार बर्तन को तुम्हारे लिए मैं मना कर देता हूँ। बर्तन बुरे हैं क्या जी? शराब के लिए इस्तेमाल हुए थे, मगर हुजूर नफरत दिलाने के लिए क्या फरमाए? ये बर्तन भी यूज नहीं करना। अच्छी बात है या रसूल अल्लाह, जो लोग शराब पीते थे शराब से बचे तो बचे, बर्तन को भी छोड़ दिए, छोड़ देते हैं। मुस्तफा फरमाते बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करेंगे। इसमें खजूर को पानी में भिगो कर नबीज मत बनाओ। हंतम में, दुब्बा में, नकीर में, मुजफ्फत में चार बर्तनों का जिक्र आता, छोड़ दिया। क्यों? उसकी हिकमत लिखते हैं मुहद्दिसीन, नफरत पैदा करने के लिए। क्यों? वो बर्तन आए तो याद आ जाएंगी शराब, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना रहे इल्लत ना रहे मालूल, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हटा दिया। फिर कुछ अरसा गुजर गया, नफरत दिल में अच्छी जागोसी हो गई, तो फरमाए बर्तन से कोई हुरमत नहीं आती, एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इजाजत भी दे दी हुजूर। तो इस्लाम का एक निजाम है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि थोड़े से किताबें पढ़ने में से या एकाद क्लिप सुनने में से पूरे निजाम मालूम नहीं होते, इसलिए कम से कम दुनियावी एतबार से, जैसे कुछ हमको दवाओं का इल्म होने से हम डॉक्टर नहीं बन जाते, डॉक्टर का पेशा डॉक्टर को हम देते हैं, इंजीनियर की सलाहियत इंजीनियर के हक में मानते हैं, तो दीन के सिलसिले में भी शुद्ध बुद्ध अगर है तो उसको कंप्लीट अपने मालूमात समझकर ना आप फैसला फरमाइए, ना ऐसी कोई दूसरों को मशवरा देकर गलत राह पर डालिए। ये जिम्मेदारी समझता हूँ मैं हर एक मुसलमान की। बहरहाल जो कुछ भी मैंने अर्ज करना चाहा, अल्लाह तबारक व तआला इस पे आपको और हमको इस्लामी नुक्ते नज़र से इस्तेकामत अता फरमाए, और जो हमसे भूल चूक होती है हो रही है अल्लाह उसे माफ़ फरमाए, सही बातों पर हमें इस्तेकामत अता फरमाए, और जो भी हमें बीमार है उन्हें सेहत और शफा अता फरमाए। निशात अहमद और उनकी बीवी के लिए सेहत की दुआ की दरख्वास्त की जा रही है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला और शिफाए आजिल अता फरमाए, हर बीमार को सेहत और शिफा अता फरमाए, हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमाए, और जो कुछ अर्ज़ किया गया उस पर हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और इस मुबारक इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हजरत की शिरकत को हमारे लिए खैर व बरकत का जरिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला सबके दिलों में जो जो भी तमन्ना और जायज़ मुरादें हैं उन्हें पूरा फरमाए, हरमैन करीमैन का अदब नसीब फरमाए, कुरान का अदब नसीब फरमाए, कुरानी तालीमात पर हम भी चलें, हमारी नस्लों को भी चलने के लिए तलकीन कर सकें। अल्लाह तो तौफीक अता फरमा, इलाहा आलमीन हमारे अहवाल को तो पाकीज़ा बना, अच्छे अखलाक का हमें हामिल बना दे। ए अल्लाह हम गुनाहगार हैं, आजीज़ हैं, हमारे मुतालिक जो भी हुस्न ज़न का इजहार करके नाज़िम जलसा फ़हीम भाई ने कहा है, ऐ अल्लाह हम तेरी बारगाह में माफ़ी चाहते हैं, उन बातों के हम लायक नहीं हैं, लोग हुस्न ज़न रखते हैं, उनके हुस्न ज़न के मुताबिक ऐ अल्लाह हमें सही काम करने की तौफीक अता फरमा, जो ख़ताएँ हमसे हुई हैं हो रही है अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता तो माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ हमदर्दी करने की हमें तौफीक अता फरमा, मखलूक की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, तुझे खिदमत खल्क बहुत पसंद है मेरे मौला, खिदमत खल्क की हमें सादत अता फरमा, रुश्द हिदायत के काम करने की हमें तौफीक अता फरमा, और जहाँ भी हमको अपने फ़राइज़ के दागी में कोताहियाँ हमसे हो रही मौला माफ़ फरमा, और हमारे अंदर सही जज्बा अता फरमा, और जो भी दीन की खिदमत के सिलसिले में या अल्लाह काविशें कर रहे हैं सबकी काविशों को समरा बरकत दे, उलमा के इल्म में बरकत अता फरमा, हुफ्फाज़ के हिफ्ज़ में बरकत अता फरमा, फुकहा की फहम व फिक्र में बरकत अता फरमा, मशायख़ की अल्लाह उनकी मशीक़त व सियादत में बरकत अता फरमा, अल्लाह तुजार की तजारत में बरकत अता फरमा, अल्लाह हलाल कमाने वालों के ज़राए रिस्क में बरकत अता फरमा, वसअत अता फरमा, जो हराम और नाजायज़ ज़राए को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें उससे बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें ईमान पर इस्तिक़ामत दे, ईमान पर अल्लाह खातिमा अता फरमा, क़ब्र व हशर में हबीब पाक की शफ़ात अता फरमा, व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठिए बैठिए, तशरीफ़ लीजिए। हजरत का थोड़ा सा नसीहत पर मुश्तमिल चलता है, तुमने नहीं बाबा आपके पास मुकम्मल जामे है, उसके बाद आपके जामा दुआ भी बेहतरीन कर दिया हमने वो पहले भी। हाजरीन इकराम, हाजरीन इकराम थोड़ी देर तशरीफ़ रखें आप। हज़रत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन क़िबला मदीनुल आली तशरीफ़ फरमा है, बल्कि यूँ महसूस हो रहा है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इस अदा से वो करम अपना दिखा देते हैं, ये पता तक नहीं चलता किसको क्या देते हैं, ये पता तक नहीं चलता किसको क्या देते हैं। बेअक़ीदा को यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला, बेअक़ीदा को यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला, है तुझको अकीदत ख्वाजा से तो आ देते हैं, है तुझको अकीदत ख्वाजा से तो आ देते हैं। उनका तसर्रुफ ख्वाजा सरकार का ऐसा वसी है
के बुलाकर ही नहीं देते, अपने शहजादों को भेजकर भी हम जैसे गुनाहगारों के पास करम फरमाते हैं, इस अदा से भी वो नवाजते हैं, बड़ा करम है। हजरत कुछ कलमात अगर आप अदा फरमा दें तो हमारे लिए। हजरत ने इतनी जामे तकरीर फरमा दी है कि अब उसके बाद दुआ भी बहुत बेहतरीन हुई है माशाल्लाह, बड़ी दिक्कत में दुआ हुई है और अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, हमारे इस बैठने को, हमारे सुनने को, इस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, हुजूर गनी नवाज का खास फैजान, तमाम अहले इलाका का फैजान अदा फरमाए, और हमारे बच्चों को नेक और साहले बनने की तौफीक अदा फरमाए, हमारी बच्चियों को नेक और साहले बनने की तौफीक अदा फरमाए। या अल्लाह, जो जिन जिन हजरात ने हुजूर गनी नवाज की निस्बत से दुआओं के लिए कहा है मेरे मौला, सबकी दुआएँ कबूल फरमा ले, सबके जायज़ दिल मकासद में कामयाबी अता फरमा दे, जो बच्चियाँ और बच्चे शादी के लायक हैं उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा दे, हमारे बच्चों को माँ बाप का सहारा बनने की तौफीक अदा फरमा दे, हमारे नौजवानों को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अदा फरमा दे। या अल्लाह, इस महफिल को, इस बज़्म को या अल्लाह तरक्की अता फरमा और इनकी खिदमत को कबूल फरमा ले, और जो जो इसके कारकुनान है मेरे मौला, सबके जायज़ दिल मकासद में कामयाबी अता फरमा दे। हमारे मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला मदरज़िलुल आली की सेहत में, उम्र में बरकतें अता फरमा, और इनके जो खिदमात हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। या आलमीन, अपना फ़ज़्ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अली व सहाबी अजमईन बि रहमतिक या अरहमर राहिमीन बि हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। हाज़रीन महफ़िल, एक दो बातें ज़रूरी है, ज़रा समात फरमा लें। काफ़ी देर से हम बैठे हुए हैं, अदब का मकाम आ रहा है, आसार शरीफ की ज़ियारत के लिए हम हाजिर होने वाले हैं, तो जो हजरात ताज़ा वज़ू करना चाहें तो वज़ू फरमा लें, बहुत मुनासिब रहेगा। और सबसे पहले हजरत बुज़ुर्ग हजरात जो है ना आसार शरीफ की ज़ियारत करेंगे, हजरत ग़ियासुद्दीन क़िबला, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला और मौज़म भाई क़िबला और दीगर जो है ना हमारे आबिद भाई हैं, खालिद भाई हैं, ये हजरात पहले ज़ियारत के लिए हाजिर होंगे, फिर उसके बाद हम जो है ना अदब के साथ हाजिर होंगे और जितना जल्द हो सके हम वहाँ ज़ियारत करके वहाँ से रुख्सत हो जाएं, क्योंकि ख़वातीन भी काफ़ी बैठी हैं, वो लोग भी इंतज़ार कर रही हैं ज़ियारत का। और मैं खालिद हुसैन साहब, आसिफ, अबुल हसन, इनसे गुजारिश करता हूँ और दीगर हजरात से कि सलाम पेश करने के लिए वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मिन्हाज वहाँ हमारे कमरे में जो है ना तबरुक रखा हुआ है, वो वहाँ से ला लीजिए, और गुस्ल शरीफ का पानी यहाँ पर रखा हुआ है, वो किसी को जिम्मेदारी दे देंगे, वो तकसीम करते हैं। शुक्रिया।